तो धर्म पर विश्वास ही नहीं करना और दूसरे के धर्म के लोगों को आदर देना, वो एक धीरे धीरे इस तरह का सेकुलरिज्म बन गया जो हमारे रगों में घुस गया। मतलब 50s, 60s, 70s तक इस देश में सेकुलर होना वॉज अ वेरी गुड थिंग। इट वॉज रिगार्डेड एज ए बेसिकली कि यू आर ए गुड ह्यूमन बींग, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद न्यू जनरेशन, जिसको बहुत इंटेलिजेंटली नरेंद्र मोदी जी कनेक्ट कर रहे हैं। आज का जो जेन जीज है, जो यूथ है, वो भी नरेंद्र मोदी का दीवाना है। आई नेवर एंटिसिपेटेड कि कभी मैं आफ्टर 20 इयर्स, ऑलमोस्ट 20 इयर्स आई विल हैव टू लीव कांग्रेस पार्टी। लेकिन आज जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में कांग्रेस पार्टी छोड़ने के अलावा मेरे सामने कोई उपाय नहीं था। क्योंकि एक तो कांग्रेस पार्टी वैचारिक तौर पर पूरी तरह से कुंद हो गई है, एक ठूंठ जैसी हो गई है, और कोई भी एक जिसे बोलते डायरेक्शन लेस हो गया है सारा मामला। क्या है आगे जाके पार्टी के लिए और कितना वैल्यूएबल साबित हो सकते हैं, इसकी चिंता ही नहीं। और जब जहां पर आपकी इज्जत ना हो, जहां पर आपके टैलेंट का कोई आदर ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, जहां पर आपके 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 डिग्निटी का कोई सम्मान ना हो, जो कोई अगर आपकी डिग्निटी की परवाह नहीं करता है, तो वहां कभी किसी को नहीं रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। हाय एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सपर्ट टॉक विद भव्य देसाई। ये वाले एपिसोड में वी हैव स्पोकन ऑफ कोर्स टू संजय निरुपम जी, हु हैज बीन अ फॉर्मर MP, अभी भी काफी न्यूज में है जैसा आपको पता होगा। And this is a very raw conversation. Why? Because I think normal nazariya logo ka hamesha ek MP ko dekhne ke liye, ya someone who's in the office or has been in the political background or in a party, wo kafi alag hota hai unka nazariya. But when you sit down and jab ye aap unse baat karte hain, to kafi sari cheeze bahar aati hain. You get to know the person, you understand their thought process. और मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। वी हैव कवर्ड ऑफ कोर्स द करंट सिनेरियो जो कांग्रेस के साथ उनका चल रहा है, आइडियोलॉजी एंड फंडामेंटली व्हाट इज देयर एनेक्डोट्स, कैसा उनका थॉट प्रोसेस है, किस हिसाब से ही फील्स दैट यू कैन कनेक्ट विद द यंगर जनरेशन, व्हाई दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय दिस बिकॉज व्हाइल डूइंग दिस आई कुड लाइक रियली get that people might like this, so I hope you like it. And agar aapko ye acha laga podcast to please hame subscribe kijiye, follow bhi kijiye Instagram mein, because isse kafi sari cheeze hame bhi help hoti hai aur aise conversations leke aane mein. So see you in the next one. So Nirupam ji, thank you so much for coming in for expert talk with Bhavya Desai. जैसा मैं बोल रहा था कि आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड ये कॉन्वर्सेशन के लिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात भी करना है ऑफकोर्स, एंड ऑल्सो बिकॉज करंट जो आपका सिनारियो है उसको लेके भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, प्लस बिकॉज आपको इतने सालों से फॉलो किया है, देखा है आपका काम भी, सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई एम सुपर एक्साइटेड। सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट, आई होप यू आर एक्साइटेड एज वेल। Yes, yes, thank you very much for inviting me here in your studio and at your podcast. Even I'm very much excited because after a long, long time, I'm going to interact with one of the young generation person. हम लोग 50s पार कर रहे हैं हम लोग, और आप अभी 30s, 40s के बीच में होंगे, तो एकदम पूरा दो generation का gap है, तो इस जनरेशनल गैप की वजह से एक पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होता है। तो मैं चाहूँगा कि आपका पर्सपेक्टिव और मेरा पर्सपेक्टिव दोनों मिलकर के थोड़ा सा एक टकराव हो और उसमें से मंथन में से, समुद्र के मंथन में से थोड़ा अमृत निकले। तो पहला वाला वेरी वेरी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन इज दैट आप पॉलिटिक्स में काफ़ी सालों से हैं ऑफकोर्स, राइट? 1993 में आपने शुरू किया था, इट्स ऑलमोस्ट नाउ 20, मोर देन ऑलमोस्ट अराउंड दैट, मोर देन दैट। इतने लंबे जर्नी में करंट जो अभी सिचुएशन है, आपने ऐसा एनविजन किया था कि ऐसा होने के चांसेस हैं या कुछ होगा कभी भी? इतना आसान नहीं होता अपने भविष्य को देखना, राइट? और क्या होता है कि इंसान को बस अपने वर्तमान को जीना, जो आपका प्रेजेंट है उसको जीते रहना है, और वो जीते जीते खुद जैसे नदी का पानी एक अपनी धार लेकर के बहते रहते वैसे ही आपकी भी जिंदगी बहती रहती। तो मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी पॉलिटिक्स में आऊँगा। ओके। मेरे घर में कोई भी व्यक्ति पॉलिटिक्स से नहीं, मतलब एक साधा ग्राम पंचायत का सदस्य भी नहीं। आई एम द ओनली पर्सन हु इज इन पॉलिटिक्स इन माई फैमिली, और मैं बेसिकली एक जर्नलिस्ट हूँ,
और जर्नलिज्म मैंने तब शुरू कर दिया था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। तब मैं कविताएं लिखता था, कभी सम्मेलनों की रिपोर्टिंग करता था, फिर पटना में जो अलग अलग इश्यूज होते थे, चाहे स्लम ड्वेलर्स के इशू हों या फिर पानी की समस्या हो, रस्ते की समस्या हो, इस तरह के लोगों के एजुकेशन से जुड़ी समस्या होती थी, हॉस्पिटल से जुड़ी, उन विषयों पर मैं लिखता था अखबारों में, अखबारों में छप जाता था, नीचे मेरा नाम छपता था, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरा नाम छप गया और इतने लोगों ने मेरा नाम पढ़ा। तो ये आनंद जो मुझे मिलता था, उस आनंद की वजह से मैं एक अलग ट्रिप पे था, और तो वो जर्नलिज्म करते करते वाया दिल्ली में मुंबई आया, मुंबई में जर्नलिज्म करते करते एक्सप्रेस ग्रुप में मैं था, उसके बाद फिर मैं सामना का एडिटर बनने का मुझे मौका दिया गया, और सामना में आने के बाद मैं कह सकता हूँ कि पहली बार राजनीति का स्वाद चखने का मौका मिला। वैसे हम बिहारी लोग हैं और बिहारी लोगों के रगों में पॉलिटिक्स होती है, तो मैं कॉलेज के ज़माने में अपने जो वहाँ पर जो कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह होती है उसको काफ़ी लीड करता था मैं, वो सब एक ग्रुप को लीड करना और एक सोशली एक्टिव रहना और कल्चरली खूब काम करना वो सब तो था, लेकिन एकदम हार्डकोर पॉलिटिकल जो टेस्ट था वो मुझे मुंबई में आने के बाद, सामना से जुड़ने के बाद मिला, जब मैं शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी से मिला और उन्होंने बहुत सारी बातें, उनके साथ बहुत सारा इंटरेक्शन हुआ, और उस इंटरेक्शन में फायदा है वो कि वो मुझे जानने लगे, मैं उनको जानने लगा। हालांकि पहले बहुत रिलक्टेंट था, जब सामना का मेरे पास ऑफर आया था तो मैंने मना कर दिया था कि मैं सामना नहीं ज्वाइन करूंगा, क्योंकि ये लोग जो लोग हैं वो सब हमारे नॉन महाराष्ट्र लोगों को बहुत सताते हैं ये, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि मुझे फिर जाना पड़ा, ज्वाइन किया मैंने, खुशी खुशी ज्वाइन किया और काफ़ी कामयाब न्यूज़पेपर निकाल के उनको दिया, जिससे वाला साहब बहुत प्रभावित होते थे। और उन्होंने एक दिन सडनली बगैर मेरे मांगे उन्होंने बुला कहा कि तुमको हम राज्यसभा भेजना चाहते हैं और तुम राज्यसभा के सदस्य बन जाओ, और वहाँ से मेरा एक सीरियस फॉर्मल पॉलिटिकल करियर शुरू होता है। और तब मुझे लगा कि जब पार्लियामेंट, जो कि इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, और वहाँ पर बैठने का मौका मिल गया है, तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे लोग जाने और लोगों का भला हो, देश का भला हो, और इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए नहीं, देश के लिए, समाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। फिर पार्लियामेंट में मैं काम करने लगा, पार्लियामेंट में अलग अलग इश्यूज रेज करने लगा, और वहाँ से धीरे धीरे एक पॉलिटिकल करियर चलते रहा। मुझे नहीं मालूम था कि कभी मैं शिवसेना में जाऊंगा, फिर मुझे भी नहीं मालूम कभी मैं शिवसेना छोड़ूंगा। 2004 एक ऐसा दौर आता है जब मैं इसी इलाके से कांग्रेस, ये शिवसेना का लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाता हूँ। मेरे सामने सुनील दत्त साहब थे और एक बहुत ही जबरदस्त चुनावी लड़ाई थी वो। दत्त साहब एक बहुत टॉल फिगर थे और उनके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन एक पॉलिटिकली मुझे इस तरह से पिच कर दिया गया था कि मैं उनके बराबर उनसे चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन वो बहुत महान आदमी थे। और लेकिन वो चुनाव एक बहुत ही बढ़िया था, और जो दत्त साहब 2.5-3 लाख वोटों से जीतते थे हर साल, हर इलेक्शन में, वो चुनाव वो कहीं 35-37-38 हज़ार के आसपास से जीत पाए, तो ये मेरे लिए, मेरी हार में भी वो जीत थी। लोगों ने कहा संजय निरुपम ने सुनील दत्त को इतना छोटे मार्जिन पे ला दिया, तो मेरा नहीं था वो, मैं अपना जो लोगों से जुड़ा हुआ था, लोगों के अंदर एक जिद थी। और सच ये था कि उस समय एक परसेप्शन था, परसेप्शन ये था कि सुनील दत्त साहब को कोई हरा नहीं सकता, दूसरा परसेप्शन ये था कि संजय निरुपम बहुत मजबूत आदमी है, फाइटर है, लेकिन जीत नहीं सकते। तो पूरा चुनाव एक्चुअली परसेप्शन पे चलता है, इट्स ए परसेप्शन गेम। तो परसेप्शन ये था कि मैं जीत नहीं सकता, दूसरा परसेप्शन कि वो हार नहीं सकते। इस चक्कर में जो जब रिजल्ट आया तो लोगों ने बोला नहीं ये जीत सकता है, और सुनील दत्त हार भी सकते हैं, ये परसेप्शन तो इमीडिएटली चेंज हो गया था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि मुझे शिवसेना छोड़ना पड़ा, कुछ इस तरह के इश्यूज थे जिसको मैं बहुत ज़्यादा मैं झेल नहीं सकता था, तो फाइनली फिर मैंने शिवसेना से रास्ता अलग कर लिया मैंने, और फिर कांग्रेस पार्टी में आया। अब मुझे नहीं मालूम था, आपने जो पूछा कि मैंने कभी इसको विजुलाइज किया था क्या, एंटिसिपेट किया था क्या, मुझे नहीं मालूम था, आई नेवर एंटिसिपेटेड था कि कभी मैं आफ्टर 20 ईयर्स, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, आई विल हैव टू लीव कांग्रेस पार्टी। लेकिन आज जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में कांग्रेस पार्टी छोड़ने के अलावा मेरे सामने कोई उपाय नहीं था, क्योंकि एक तो कांग्रेस पार्टी वैचारिक तौर पर पूरी तरह से कुंद हो गई है, एक ठूंठ जैसी हो गई है, और कोई भी एक जिसे बोलते डायरेक्शन लेस हो गया सारा मामला, और पार्टी के पास रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मेंटल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और जो एक आइडियोलॉजिकल रिसोर्सेज के मामले में एक पूरी तरह से क्रिटिकल कंडीशन में पार्टी, एकदम क्राइसिस में है। और जो लोग आज चला रहे हैं वो बहुत जमीन पे जुड़ के, जमीन पे उतर के काम करने वाले या जमीनी हकीकत से नाता रखने वाले ऐसे लोग हैं नहीं। तो हम लोग जो लोगों के बीच हमेशा रहते हैं, लोगों के बीच काम करते हैं, लोगों के इश्यूज पे बहुत ही ट्रांसपेरेंटली काम करते, बहुत वेसफरसली एकदम अग्रेसिव होकर काम करने वाले लोग हैं, हम लोग को ये पूरा नया सेटअप
खासकर जो पिछले 4-5 वर्षों में नया सेटअप बना है उसमें हम बड़ा बहुत मतलब वो था उनको बहुत मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा था। तो धीरे धीरे हुआ कि भाई ठीक है अब यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो फिर भी मैं एक था कि चलो भाई पार्टी में है अब राहुल गांधी सोनिया गांधी सबसे जुड़े हैं तो काम किया जाए। तो उसके बाद चुनाव का एक ऐसा टाइम आया, लोकसभा का इलेक्शन है और इस इलेक्शन में मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ, चुनाव हारने के बाद भी 5 साल से लगा हूँ। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट आई विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू कॉन्टेस्ट अगेन फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ ऐसा सिचुएशन बना कि द सीट वेंट टू शिवसेना एंड हुआ कि कांग्रेस को, और वो रोक सकते थे, वो शिवसेना से सीट ली जा सकती थी लेकिन जानबूझ के कुछ लोगों ने इस तरह के कॉन्स्पिरेसी की। तो ये एक फ्लैश पॉइंट बन गया, यही ट्रिगर पॉइंट बना, मैंने कहा अब ये राइट टाइम है, नमस्ते कर दो, क्योंकि इनको इस बात का वैल्यू ही नहीं कि इनके पास लोग कौन हैं, इनका वैल्यू क्या है, आगे जाके पार्टी के लिए और कितना वैल्यूएबल साबित हो सकते हैं, इसकी चिंता ही नहीं। और जब जहाँ पर आपकी इज्जत ना हो, जहाँ पर आपके टैलेंट का कोई आदर ना हो, रिस्पेक्ट ना हो, जहाँ पर आपके 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 डिग्निटी का कोई सम्मान ना हो, जो कोई अगर आपकी डिग्निटी की परवाह नहीं करता है right. तो वहाँ कभी किसी को नहीं रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, पॉलिटिकल फील्ड हो या बिजनेस का फील्ड हो या सोशल फील्ड हो, कहीं पर भी अगर आप हैं। तो मैं सबसे पहले आज के नौजवानों को यही कहना चाहूँगा, जहाँ कहीं भी हो आत्मसम्मान के साथ जियो, और अगर आपके आत्मसम्मान की रक्षा नहीं हो पा रही है और आपके आत्मसम्मान के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है तो पूरी नम्रता के साथ हाथ जोड़ करके नमस्ते करके निकल जाओ, आराम से रहो, बगैर किसी प्लेटफॉर्म के रहो लेकिन सम्मान के साथ जियो। ट्रू ट्रू, सर झुका के नहीं जीना, सर उठा के जीना। ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है बिकॉज सेल्फ रिस्पेक्ट आई थिंक आजकल के टाइम स्पेशली यंगर जनरेशन में तो बहुत ही ज्यादा होती है। बहुत सारी बातें आपने की ये 1-2-5 मिनट में। सो पहले तो ऑफकोर्स जो बाला साहेब ठाकरे हैं उनके बारे में भी मेरे पास सवाल हैं, जिनके बारे में मैं थोड़े और 1-2 सवाल पूछूंगा थोड़ा बाद में आपसे। बट कमिंग टू द करंट सिनारियो जो भी आपने बोला, लाइक आई नो दैट आपने बताया कि पार्टी जनरल जो कांग्रेस है दे आर नॉट रियली डूइंग व्हाट यू थिंक इज प्रॉब्ली द बेस्ट वे फॉरवर्ड, बट फंडामेंटली वेयर डू यू थिंक दैट कांग्रेस इज हैविंग अ प्रॉब्लम, मतलब आपके हिसाब से क्यों? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। और सचमुच ये जो फंडामेंटली कांग्रेस जहां पर लैक कर रही है या जहां पे कांग्रेस पार्टी इज मिसिंग द प्लॉट, उसको समझने की आवश्यकता है और उसको समझ नहीं रहती। समझ की बात ये है कि अब जमाना बदल गया है, ये हम एक नई सेंचुरी में हैं, एक मिलेनियल्स तैयार हैं यहाँ पे और बड़ी संख्या में हैं, जेंजिस तैयार हो रहे हैं वो भी बड़ी संख्या में अपने देश में आ रहे हैं, उनका पूरा सोचने का अप्रोच गलत है, अरे डिफरेंट है, अलग है। और जब वो अलग सोच रहे हैं तो आप जबरदस्ती आप अपने पुराने घिसे पिटे जो सोच का जो वो है ढांचा है फ्रेमवर्क है उसमें उसको नहीं डालेंगे। अच्छा, वो बहुत अग्रेसिव जनरेशन है ये। यस वेरी। पहले का जनरेशन होता था कि माँ बाप ने बोल दिया कि करना है तो करते थे, आज के बच्चे वो माँ बाप को समझाते हैं कि पापा ये गलत है, हम जो सोच रहे वो सही है। और सचमुच कई बार लगता है कि वो सही है, क्यों? इसका कारण मैं बताता हूं आपको। हम लोग जब यंग हुए तब हमारे पास कोई एक्सपोजर नहीं था। मेरे घर में मेरे जवान होने के बाद फोन आया, टीवी तब आया, घर में भी नहीं था, पड़ोसी के यहां जाके देखना पड़ता था। 80s में टीवी आया, मेरे घर पे फोन टीवी नहीं था, एसी नहीं था, मेरे पास कोई इंटरनेट नहीं था, इंटरनेट का तो इजाद ही नहीं हुआ था तब तक। हमारे पास कुल जमा रेडियो था, वही बीबीसी रेडियो सुन सुन करके हम एक दूसरी दुनिया की जानकारी हासिल करते थे। और आज के बच्चे, जैसे मेरी बेटी जब पैदा होती तो होश संभालती है एसी में, फोन की आवाज सुनती रहती है, मोबाइल तब तक आ चुका था, उसके 1 साल बाद मोबाइल आया, उसके बाद जब उसको होश आता है तो इंटरनेट शुरू हो चुका है, उसके बाद टीवी चल रहा है, कलर टीवी चल रहा है, अब उसको नेट पे सब कुछ अवेलेबल है। जब तक आज के बच्चे जो जेंजिस तैयार हुए वो तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही पैदा हुए हैं वो सब right. तो उनको इतना बड़ा एक्सपोजर मिला है ना कि दे डोंट नीड योर गाइडेंस, दे आर मतलब एकदम एक्सपर्ट हो चुके हैं, दे आर वेल वर्स्ड विथ ईच एंड एवरीथिंग। और तब कहीं ना कहीं वो एक नया जनरेशन है, नया दौर है, नई सोच है, उस पर आप अपनी सोच थोपने की कोशिश मत करिए। तो कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ है कि एक गांधीयन सोशलिज्म के बेसिस पे पार्टी ने शुरू किया और उसमें जो तड़का लगा नेहरूवियन सेकुलरिज्म का, नेहरूवियन सेक्युलरिज्म एक दौर में एक वेल रिगार्डेड वेल रिस्पेक्टेड अप्रोच थी, एक विचारधारा थी, सेकुलर होना चाहिए। नेहरू जी खुद सेकुलर थे और थोड़ा सा लेफ्टिस्ट लेफ्ट लीनिंग वाले थे,
तो वो उनका वो बहुत खुलकर ही बोलते थे, लेकिन उनका ये मानना था कि धर्म को बीच में मत लाओ, धर्म को एकदम साइडलाइन कर दो। और धर्म में विश्वास उश्वास तो उनको था ही नहीं, जाते थे वो भी कुंभ नहाने जाते थे, लेकिन बाय नेचर वो हिंदू थे, ब्राह्मण थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे भाई वो, लेकिन वो थोड़ा लेफ्टिस्ट था। लेफ्ट मतलब क्या हुआ, जिसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि रिलीजन इज ओपियम। तो ये पूरा सेक्युलरिज्म की थ्योरी गांधी जी लेके आए थे, जब वो 1915-16 में जब इंडिया आते हैं साउथ अफ्रीका से, तब वो एक सत्याग्रह के विचार लेके आए थे, और सत्याग्रह का प्रचार प्रसार करने के लिए दो तीन बातें वो करते, सत्य और अहिंसा, और उसके साथ साथ वो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। लेकिन उनकी धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल अलग थी, वो रघुपति राघव राजा राम गा के धर्मनिरपेक्ष होने की बात करते थे। एक तरफ क्रिश्चियन आदमी बैठते, एक तरफ मुस्लिम बैठता था, और उसके बाद वो रघुपति राघव राजा राम गाते थे, फिर वैष्णव जनता तैने के ये कहते थे। मतलब वो धर्म से विमुख होकर के धर्मनिरपेक्ष होने की बात नहीं करते थे। धर्मनिरपेक्ष उनके लिए जो था वो सर्वधर्म संभाव था, मतलब सभी धर्मों को समान आदर मिलना चाहिए, अपने धर्म में विश्वास करते हुए दूसरे धर्म को भी आदर दो, लेकिन अपने धर्म की वजह से दूसरे धर्म के लोगों से नफरत मत करो। यह सेक्युलरिज्म, इसको 47 के बाद नेहरू जी ने जब इसको आगे प्रोपेगेट किया, तो वो एक नेहरूवियन सेक्युलरिज्म लेके आते हैं, जिसमें बोलते नहीं, ये अपने धर्म में विश्वास ही नहीं करना, अब बाकी और तो धर्म में विश्वास ही नहीं करना, और दूसरे के धर्म के लोगों को आदर देना। वो एक धीरे धीरे इस तरह का सेक्युलरिज्म बन गया जो हमारे रगों में घुस गया, मतलब 50s, 60s, 70s तक इस देश में सेकुलर होना वॉज अ वेरी गुड थिंग। इट वॉज रिगार्डेड एज ए बेसिकली कि यू आर अ गुड ह्यूमन बींग, यू आर अ बेस्ट ह्यूमन बींग, बेस्ट इंडियन, राइट, यू आर ओपन टू एवरीथिंग। हाँ, नहीं तो वो जो सेकुलरिज्म था उसकी वजह से जो धार्मिकता थी हमारे देश में वो धीरे धीरे किनारे हट गई। लोग मंदिरों में जाने से कतराने लगे, लोग पूजा पाठ करने से कतराने लगे, ओपनली पूजा नहीं करते थे, ओपनली जुलूस निकालना एक गुनाह हो जाता था। बाकी दूसरे धर्मों का चल रहा है, राइट, हमारे धर्म को ऐसे हुआ, हम मेजोरिटी है, हमको बहुत ज्यादा इंपोज नहीं करना चाहिए, हमको बहुत ज्यादा अपने आप को फ्लॉन्ट नहीं करना चाहिए। वही उसी को लेकर आगे कांग्रेस बढ़ती चली गई। पिछले 10 सालों में ये सिचुएशन बदल गई है। पिछले 10 वर्षों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑन द फ्रंट, ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एंड ही इज गिविंग यू एन आइडिया ऑफ एक न्यू रिलीजियसनेस, धार्मिकता का विचार दे रहे हैं। वो धर्मांध होने की बात नहीं कर रहे हैं, धर्मांध होना इज फेनेटिक, राइट, और जब आदमी फेनेटिक होता है तो दूसरे धर्म से नफरत करता है, अपने धर्म पे इतना गर्व करता है कि बाकी धर्मों से नफरत करता है। ये कह रहे हैं कि नहीं, धर्मांध होने की जरूरत नहीं है, लेकिन धार्मिक तो होना चाहिए। और धार्मिक होने का मतलब क्या हुआ कि राम मंदिर बन रहा है, उसके प्राण प्रतिष्ठा, मैं जाऊंगा पूरे गर्व से उसका भूमि पूजन भी करूंगा, उद्घाटन भी करूंगा, और सबको करना, जब सबको बुला रहे हैं। पहले बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप मंदिर जाते नहीं देखते थे। अब एग्जाम्पल ले लीजिए मुकेश अंबानी, ये तो पैदा ही मुंबई में हुए या न्यूयॉर्क में हुए, मेरे पले बड़े तो यही है। कभी आपने देखा था कि मुकेश अंबानी सिद्धिविनायक जा रहे हैं फैमिली के साथ? आजकल जाने लगे। फिर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स कभी जाते थे क्या ये लोग? अब जब राम जन्मभूमि का जो राम मंदिर का जो यहाँ पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है, उसमें टॉप के सारे उद्योगपति जाते हैं, सारे क्रिकेटर जाते हैं, सारे फिल्म वाले जाते हैं, और दुनिया भर के लोग सब जाते हैं, फ्लॉन्ट करते हैं। तो ये जो अपने धर्म को फ्लॉन्ट करना या अपनी आस्थाओं को, अपनी बिलीफ को फ्लॉन्ट करना, दिस इज द न्यू इंडिया, और ये नया विचार है। और इससे अगर आप कहेंगे नहीं ये गलत है, तो फिर साहब आप कहीं हाशिए पे चले जाएंगे। और यही कांग्रेस पार्टी ने किया और यही कांग्रेस पार्टी कर रही है। जब देश सेकुलरिज्म की उस सोच से बाहर निकल गया है, जब देश ने स्वीकार कर लिया कि जैसे कम्युनिज्म की एक एज थी, कम्युनिज्म 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद रशिया में आता है, उसका पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को एक बहुत ही आदर्श विचारधारा के तौर पे स्वीकार किया जाता है। वियतनाम, क्यूबा, यूगोस्लाविया, रोमानिया, चेक्सलोवाकिया, पोलैंड, सब जगह कम्युनिस्ट सरकारें आ जाती है, उधर लैटिन अमेरिका में, इधर अफ्रीकन कंट्री में, इधर फिर यूरोपियन कंट्री में, रशिया सबको लीड करता है, आज भी चाइना में है भाई। तो उस कम्युनिज्म को लोगों ने बहुत एक्सेप्ट किया, लेकिन 1991 आते आते कम्युनिज्म की एज खत्म हो गई। उस रशिया में विद्रोह होता है और रशिया कई हिस्सों में टूट जाता है। आप CIS कंट्री के तौर पे सबको देख रहे हैं, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कर्जिदान, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। तो कम्युनिज्म की एज खत्म हो गई, तो कम्युनिज्म विचारधारा ही रिजेक्ट कर, तब भी कुछ कम्युनिस्ट रहेंगे, पूरी दुनिया में रहेंगे, हमारे यहां भी हैं। वैसे ही जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म है, जिसमें धर्म की स्थापना को सीधे नकारा जाता है, उसकी उम्र खत्म हो गई। आज इस देश में उसका कोई टेकर नहीं है।
और दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी उसी विचारधारा से अभी चिपकी हुई है और उसका बहुत बड़ा झंडा बरदार जो है ये हमारे राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जो कई बार समझाएंगे साहब ये सब ज्यादा मत करो, हो गया राइट। हाँ, दिखावे के लिए कभी आप किसी मंदिर में चले जाते हैं। अगर आप रिलीजियस नहीं, अगर रिलीजियस होते ना सचमुच, चाहे खड़गे हो या सोनिया जी हो, राहुल जी या कांग्रेस पार्टी के टॉप जो लीडरशिप है, तो राम मंदिर के इन्विटेशन को कभी रिजेक्ट नहीं करते। क्यों? हम लोग बाय नेचर, बाय बिलीफ, हम एक हिंदू हैं और हमारा एक अपना धर्म है और हमको उसमें विश्वास है। मेरे पड़ोस में कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, भले मेरा दोस्त हो या दुश्मन हो, अगर वहां से इन्विटेशन आ गया, बुलावा आ गया, तो कभी ना नहीं बोलते, जाते हैं। क्यों? भले हमारा दुश्मन होगा, विरोधी होगा, फिर भी जाएंगे, मत्था टेकेंगे, प्रसाद लेके जाएंगे। ये मेरी धार्मिकता है। चूंकि ये धार्मिक लोग नहीं है, इसलिए जब राम जन्मभूमि राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का इन्विटेशन आता है, सबके पास जाता है, सब वहां गए जरूरी नहीं है, लेकिन को जो नहीं जा पाए उन्हें एक चिट्ठी लिख दी प्यार से कि धन्यवाद आपने मुझे इन्वाइट किया, लेकिन मेरा अभी आना मुश्किल है, बाद में कभी दर्शन करें। अकेले कांग्रेस पार्टी ने इस विषय के ऊपर एक विवाद खड़ा किया कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, भारतीय जनता पार्टी ये कार्यक्रम कर रही है, प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, हमारा इसका विरोध है। तो आप प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं तब जबकि पूरा देश उस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ खड़ा है, राइट। पूरा देश जश्न मना रहा है, राम आएंगे गीत गा रहा है, और तब आप विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप सडनली भारत की जो लोक संख्या है उसमें एक छोटे से टाइनी सी अल्पसंख्यक समुदाय में जाके बदल जाते, वो एक बहुत गलत मूव था। ओके, बट आपको ऐसा नहीं लगता कि उस रिस्पेक्ट में, मतलब देयर इज अ रीजन के उन्होंने ये शायद पार्ट नहीं लिया होगा, बिकॉज ये इतना बड़ा फंक्शन था एंड एवरीबडी इतना, मतलब सब लोग सराह रहे थे कि इतने बड़े पहली बार ये राम जन्मभूमि हो रही है, तो उसमें अगर ऑपोजिशन की पार्टी जाएगी और सेलिब्रेट करेगी तो देन फिर ऐसा लगेगा कि वी आर ऑल्सो सपोर्टिंग के जो हुआ। ऐसा है, राम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, राम मंदिर कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल जागीर नहीं है, राम सबके हैं और राम मंदिर सबका है, और राम का जब उत्सव है तो वो देश का उत्सव, पूरी दुनिया के हिंदू वहां आते हैं, भागे भागे आते हैं, ठीक है। और ऐसे में वहां नहीं जाना मतलब उस पूरी परंपरा को नकार देना, और आज उस परंपरा को नकार के आप अपने अपने आप को स्थापित नहीं रख सकते। यही वजह थी जब उन्होंने इन्विटेशन को पर डिस्प्यूट क्रिएट किया, कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, तब उसके बाद जब लोगों ने कहा कि गलत किया है, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता लगभग एक हफ्ते तक अपने इस मूव को डिफेंड करने के लिए टीवी पर आते रहे। मुझे भी बोला गया था, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बुनियाद पहले भी इनके मना करने से पहले मैंने बोल दिया था कि बिल्कुल जाना चाहिए, कि राम इस देश के प्राण है, हमारे नसों में है और उनके मंदिर की स्थापना हो रही है, तो बिल्कुल जाना चाहिए। 28 दिसंबर को नागपुर में मेरा दिया हुआ बयान है जो सारे देश के चैनलों पे दिखाया गया। उसके बाद इन्होंने मना किया था, मैं तो अपील की थी कि कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए, नहीं तो किसी को अपॉइंट करिए, डेलीगेशन भेजिए, बट डोंट क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी ओवर दिस इशू। राइट राइट, बट डू यू थिंक दैट इन ये रिस्पेक्ट में, मतलब ये विचारधारा, लाइक ऑफकोर्स जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, ऑफकोर्स वो एक दिशा दिखा रहे हैं इस रिस्पेक्ट में कि यू नीड टू बी रियली प्राउड और वॉट एवर योर रूट्स आर, आपका जो रिलीजन है जो भी हो, इट डजेंट मैटर आप हिंदू सिख ईसाई कुछ भी हो, डजेंट मैटर। तो उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी का भी सबसे बड़ा यही मुद्दा है कि ये बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं रिलीजन के बेसिस पे हर एक चीज को। आपको ऐसा लगता है कि इन दैट रिस्पेक्ट दैट्स द रीजन व्हाई? देखो, रिलीजन के बेसिस पे हम और आप या बीजेपी या कांग्रेस या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी व्यक्ति डिवाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये बेसिकली डिवाइडेड है। इधर हिंदू है, इधर मुसलमान है। तो इस देश में 6 बड़े धर्म के लोग रहते हैं और इतने ज्यादा धर्म के लोग दुनिया के किसी भी देश में नहीं। भारत के संविधान ने कहा है कि सबको बराबर का अधिकार प्राप्त, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, अगर भारत के नागरिक हैं तो ये अधिकार आपके पास है। एक हिंदू जब जाता है वोट डालने तो उसको भी एक ही वोट का अधिकार है। एक पारसी हो जो एकदम टाइनी माइनॉरिटी हमारे देश में, उसको भी एक वोट का अधिकार है। जब एक सरकार एक कोई पॉलिसी बनाती है, जब कहती है कि हम सबको पाइपलाइन से गैस देंगे, तो वहां कोई भेदभाव नहीं है, पारसी है तो उसको भी मिलेगा, हिंदू है तो उसको भी मिलेगा। ये नहीं कह सकते कि बेवरली हिल्स बिल्डिंग में जो मुस्लिम है उनको पाइपलाइन से गैस नहीं मिलेगा। तो नो मैटर विच रिलीजन यू बिलोंग टू,
You are part of this country. You are citizen of this country. And constitution has given you all the rights, equal rights. And you are free to exercise or enjoy your rights or जो भी आपके पास अधिकार प्राप्त है. तो ऐसे में कोई डिवाइड, लेकिन हम अलग अलग धर्म के हैं, ये एक सच है. हाँ, हमको आगे टॉट क्या किया गया, क्या सिखलाया गया कि भाव किसी भी धर्म के हो, सभी धर्म को आप इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए. ये भारत की परंपरा है और वो ऐसा नहीं कि देश के आजाद होने के बाद शुरू हुई है. सदियों पहले से हिंदुस्तान में एक सभी को इज्जत देना, सभी को सम्मान देना, जिसको हम को एग्जिस्टेंस की बात कहते हैं या टॉलरेंस की बात करते हैं, सहनशीलता, सह अस्तित्व और सर्वधर्म संभाव, ये आज से नहीं चल रहा है. देश 2000 साल पहले की बात है, जब यहाँ पर मुगल भी नहीं आए थे, जब शक हुन कुषाण भी नहीं आए थे, देश कभी गुलाम नहीं हुआ था और हम छोटे छोटे राज्यों में अलग अलग थे. तब दक्षिण भारत में त्रावणकोर स्टेट हुआ करता था, जिसके राजा हिंदू राजा थे. अब तब तो हिंदू शब्द भी नहीं था, हिंदू शब्द तो बहुत बाद में इजाद हुआ है. सनातनी कह सकते हैं, द्रविड़ियन कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए, लेकिन वो कम से कम क्रिश्चियन या मुस्लिम नहीं थे वो. तो उस समय तो क्रिश्चियनिटी आई थी, शुरू हुई थी, और इस्लाम तो आया भी नहीं था. तो एक कहा किस्सा है कि त्रावणकोर के जो राजा थे वो अपने दरबार में बैठे थे, तो वहां पर किसी एक फादर को पकड़ के लेके आते हैं सर उनके सिपाही लोग. तो बेचारे व्हाइट रंग का चोगा होगा पहने हुए, यहाँ पर क्रॉस है. तो राजा पूछते हैं कि भाई कौन है, कहाँ से लाया तुम इसको, क्या हो गया, क्या गुनाह किया इसने. तो बोला राजा साहब, कोई तो है जो बड़े से बोट पे, शिप पे आया है, और वह समंदर में शिप था और वहां पर कुछ तो दूरबीन वूरबीन लगा के कुछ देख रहा था, तो उसको पकड़ के ले आए. तो ये लग रहा है कुछ गलत आदमी है. तो राजा ने पूछा कि भाई आप कौन है, कहाँ से आए हैं. तो बताते हैं कि हम लोग साहब जेरूसलम से आए हैं और हम लोग क्रिश्चियन हैं, तो हम यीशु के फॉलोअर्स हैं. तो मैंने कहा ये कौन है, क्या होता है क्रिश्चियन. बोला जी हमारा एक अलग धर्म, हमारा धर्म है. धर्म मतलब क्या हुआ. बोला हमारा एक अलग भगवान है. अच्छा कौन से भगवान है. भगवान तो एक ही है. बोले हमारे भगवान ईसा मसीह हैं. अच्छा तो आपके भगवान क्या सिखलाते हैं. तो हमारे भगवान सिखलाते हैं सबको सच बोलना चाहिए, सबको अहिंसावादी होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए. तो बोले ये तो हमारे धर्म में भी बताया गया है, तो आपको चाहिए क्या. बोला हम उस धर्म का प्रचार करना चाहते हैं. तो करिए, क्या दिक्कत है इससे, और भी हमारे लोग अच्छे होंगे. तो उसके लिए क्या करना है. तो हमको एक छोटी सी जगह दीजिए, हम एक चर्च बनाएंगे. बोले बनाइए. तो हिंदुस्तान में पहला चर्च हिंदुस्तान के एक हिंदू राजा ने अलाउ किया. हम इतने संकीर्ण नहीं थे, हमने अलाउ किया कि आइए, आपके पास अच्छा विचार है, रखिए. उसी तरह से जो मक्का मदीना में जो मस्जिद है वो दुनिया की ओल्डेस्ट मस्जिद है. राइट. कहते हैं इस्लाम का जो अवतरण हुआ है 600 AD में, उसके एक दो तीन साल के अंदर वो मस्जिद बन गई थी. मोहम्मद साहब के जमाने में शायद बना होगा. उससे भी 3 साल पुरानी मस्जिद यहाँ है केरल में. और जब केरल में वो मस्जिद आज भी है, कहते हैं कि उससे पुरानी मस्जिद है. वो मस्जिद कब बनी, जब इस देश में हिंदू राजा था. तब 600 AD में कोई ना कोई मुसलमान आया होगा, साहब हमको अपने धर्म का प्रचार करना. बोला क्या करते हो धर्म का प्रचार करने के लिए. साहब हम सत्य का और करुणा का और कंपैशन का और दयालुता का और ये और ये सब चीज का प्रचार करते. लाइए हम भी तो ये चाहते हैं, इसका तो प्रचार होना चाहिए. तो सभी धर्म बुनियादी तौर पर अच्छी बातें करते हैं, उनके टेनेट्स जो है बहुत अच्छे हैं, उसका प्रचार प्रसार. ये हमारी सोच थी कि हर धर्म को सम्मान दो, क्योंकि हर धर्म बुनियादी तौर पर इंसान को अच्छा इंसान बनने की सलाह देता है. राइट. हाँ, अब उस धर्म के नाम पे कोई उत्पात मचाने लगे फैनेटिक हो करके, तब उसको भी चेक करना चाहिए, उसको भी छोड़ना नहीं है. वो अपने धर्म को भी बदनाम करता है और पूरी मानवीयता को भी बदनाम करता है. बिकॉज वो भी मुझे जानना था, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, ऑफ कोर्स इट डज नॉट हैव एनी डिफरेंस, इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रिलीजन, हु यू आर, हु आई एम, हु दे आर, नन ऑफ, नोबडी. बट पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली जब कैंपेन करते हैं या पॉलिटिशियंस जब भी कैंपेन करते हैं, देन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम मुद्दा लेके वो ये सब बातें करते हैं कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल अगर हिंदू हूँ तो आप मुझे सपोर्ट करिए, अगर कोई मुस्लिम है तो आप हमें स्पेशली सपोर्ट करिए, आप किसी और को क्यों सपोर्ट करेंगे. बिकॉज नेचुरली वैसा सिखाया तो हमें नहीं है, बट देन वी आर ओनली गिल्टी ऑफ डूइंग दोज थिंग्स. नहीं, अब वो जो वोटों की पॉलिटिक्स है ना, वो अपने आप में सबसे बड़ा क्राइम है. राइट. और वोटों के पॉलिटिक्स के चक्कर में हर पॉलिटिशियन एक क्रिमिनल बन जाता है.
और वो क्राइम करता है जो जो करने के लिए एक्चुअली उसके पास अधिकार नहीं है। भाई वो भले ही हिंदू से हिंदू के नाम पे वोट मांगता है या मुसलमान से मुसलमान के नाम पे वोट मांगता है, लेकिन जब वो अपने फंड से रोड बनाएगा तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हिंदू ही चलेगा उस रोड पे, उस पर तो सबको चलना है। तो वोटर को भी धर्म के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं उनको वोट नहीं देना चाहिए, और धर्म के नाम पे अपील करके जो वोट मांग रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सावधान रहना चाहिए, क्योंकि क्योंकि धर्म के नाम पे वोट मांगने का अधिकार आपको संविधान भी नहीं देता है। तो ये लेकिन वोटों की पॉलिटिक्स में प्रैक्टिकली स्पीकिंग एवरीबॉडी गेट्स कैरिड ऑन, कैरिड हो जाते हैं सब। वो एक छोटा सा क्राइम है पूरे समाज में, जो बड़े बड़े क्राइम होते हैं उसके सामने, वो उससे बहुत ज्यादा समाज की व्यवस्था या राजनीति खराब हो गई, बदनाम हो गई, मेरा नहीं मानना है। वो बहुत ही टेम्पररी चीज है और वो आता है चला जाता है। वो रेत पे एक निशान होते हैं ना, एक जोर से हवा आई निशान मुड़ गया, उस तरह की चीज है। तो बहुत साधारण सी सामान्य सी बात है, वो इतना बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए। बड़ा इशू ये है कि हिंदुस्तान इस समय, आज मैंने कल हिंदुस्तान को डिक्लेयर किया गया है दुनिया का एक नंबर का हाईली पॉपुलेटेड कंट्री। वी आर नाउ 144 crore पीपल। चाइना हैज गॉन ऑन द सेकेंड पोजिशन एज पर द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, दे आर 142 crore। क्रेडिट गोज टू माओ त्से-तुंग। 78 में माओ त्से-तुंग ने एक बच्चा या दो बच्चा वाला जो पॉलिसी लाए थे जिसमें उनको पॉपुलेशन ग्रोथ नीचे चला गया, जिसकी वजह से अब फिर भी इतना चल रहा था, चलते 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 आज जाकर के 78 मतलब हो गया लगभग 22 साल और 24 साल 46 साल बाद चाइना इज लैगिंग बिहाइंड इंडिया नाउ एज पर। तो बड़ा अप्रोच यह है कि 144 करोड़ लोगों को एक साथ लेकर चलने वाला विचार होना चाहिए, 144 करोड़ लोगों के विकास का प्रोग्राम होना चाहिए, 144 करोड़ लोगों के उत्थान और ग्रोथ का विचार होना चाहिए। और वो विचार इस समय पिछले 10 वर्षों से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत कामयाबी से सफलतापूर्वक चला रहे हैं। अगर मैं मान लीजिए आप कहेंगे कि भाई आज आप बोल रहे हैं कांग्रेस को छोड़ दिया इसलिए, हो सकता है, लेकिन सच सबसे बड़ा सच यह है कि 10 साल बाद भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आप चाहे कुछ भी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते रहिए, देश की जनता कहीं ना कहीं उनके काम काज से संतुष्ट है। कहीं ना कहीं वो जो कुछ कर रहे हैं वो इतना उसका मेजर अपील है कि उसके आगे आप कहीं स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन समथिंग इज लैकिंग इन यू। वो क्या है, आइडियोलॉजिकली, ऑर्गेनाइजेशनली, या कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पूरी एनर्जी खत्म हो गई है। यू आर आउट ऑफ आइडियाज, यू डोंट हैव न्यू आइडियाज, और यू आर कंप्लीटली डिसकनेक्टेड विथ टूडेज पीपल, टूडेज जनरेशन। यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विथ न्यू जनरेशन, जिसको बहुत इंटेलिजेंटली नरेंद्र मोदी जी कनेक्ट कर रहे हैं। आज का जो जेंजीज है, जो यूथ है, वो भी नरेंद्र मोदी का दीवाना है। साहब ये जो इन्फ्लुएंसर है उनको बुला के मोदी जी उनके साथ बात करते, उनकी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जो गेमर्स हैं उनके साथ नूब की बातचीत चल रही है। तो ये नया दौर है और नए दौर के साथ कनेक्ट वो आदमी कर रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो। क्यों क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसका कारण बताता हूं। क्योंकि आप अभी भी अपने पुराने फ्रेमवर्क में फंसे हुए हो, उसको तोड़ के बाहर निकलना है और अपने आप को रीशेप करना है, उसके लिए तैयारी नहीं है। और जब तैयार नहीं है तो आप पूरी तरह से आउटडेटेड हो जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी हैज बिकम एन आउटडेटेड पार्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। राइट, ये आप जो बोल रहे विचारधारा के हिसाब से आइडियोलॉजी एज वेल, सो एक्चुअली मैंने कांग्रेस का जो 2024 का जो मैनिफेस्टो है वो मैनिफेस्टो भी देखा है, आई एम श्योर आपने भी देखा ही होगा। तो उसमें भी लेकिन वो फिर भी ट्राई कर रहे हैं आपके हिसाब से ये सब चीजें थोड़ी सी करने के लिए, बिकॉज जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि नोबडी कैन डिवाइड अस इन दीस सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस, लॉट ऑफ द थिंग्स इन दैट मैनिफेस्टो आर स्टिल फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स, यू नो, इवन टुडे। देखो अब जैसे मान लीजिए कल को आप चुनाव लड़ने के लिए उतर जाएं, आपकी तो सरकार आने वाली नहीं है, आप बोलेंगे मैं हर दिन सबको 5 lakh rupees दूंगा। आप बोल लो, कोई पूछने आता है क्या, देना है कि नहीं। आपने कहा कि 1 lakh rupees मैं हर महिला को हर महीने दूंगा, ये बोला ना मेरे ख्याल से, हर महीने ना, महीने में 1 lakh कि साल में 1 lakh, साल में 1 lakh rupees दे, और जो गरीबी रेखा से नीचे है।
गरीबी रेखा से नीचे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि लगभग 21 करोड़ लोग आज भी है, तो आधी आबादी उनकी है, 10 करोड़ महिलाएं गरीबी रेखा से नीचे हैं, 10 करोड़ लोगों को हर साल 1 लाख रुपए देना, मतलब 10 लाख करोड़ हो गया। अब 10 लाख करोड़ लाएंगे कहां से? इज इट पॉसिबल? तो चूंकि आपको किसी तरह लोगों को बरगला देना है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, इसलिए आप कुछ भी अट्रैक्टिव चीज उनके सामने फेंक दे रहे हैं। 2019 में भी न्याय पर आधारित एक अनाउंसमेंट आया था, 600 रुपीज हम हर गरीब को देंगे। ये एक्चुअली जो मैं भूल गया उनका नाम, वो जो बंगाली है जिनको नोबेल प्राइज मिला था, अभी दो लोगों को मिला था ना, उनकी वाइफ पेरिस की हैं और वो बंगाल के हैं, बनर्जी सर, अमर्त्य सेन नहीं, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन बहुत पुराने हैं, अभी अभी हाल में 1-2-3 साल पहले मिला है। उनकी थ्योरी है। और ये जो सोशलिस्ट जो मॉडल है, ये कभी ब्राजील में भी वहां की सरकार ने इस तरह से प्लान बनाया था कि सबके पास कैश डोलिंग करना, कैश देना, जो डायरेक्ट वो जो टैक्स कैश ट्रांसफर वाला जो स्कीम है ना, जो हम लोगों ने शुरू किया था, वो वहीं से आया, ब्राजील से आया, लुल्ला ने लाया था, जो लुल्ला अभी फिर से बने हुआ। तो ये जो बनर्जी साहब है, चटर्जी साहब हैं जो अभी आए, तो उनका ये उनकी थ्योरी है कि हर गरीब के पास कैश पहुंचना चाहिए, लेकिन कैश अपने पास होना भी तो चाहिए ना साहब। आज इस समय हमारे देश पे जो विदेशी कर्ज है, ये 165 लाख करोड़ है, डेफिसिट, राइट, 165 लाख करोड़ इन टर्म्स ऑफ डॉलर है मेरे ख्याल से, इट इज डॉलर, 165 लाख करोड़ डॉलर तो कर्ज है। आपका जो टोटल कलेक्शन आता है जीएसटी वर, मतलब जो आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस से, वो एक एवरेज मान के चलिए 1.5 लाख करोड़ हर महीने आता है, तो 12-18 लाख करोड़ आता है आपके पास। और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है क्या, आप डिसइन्वेस्टमेंट कितना कर लेंगे भाई? जो सोर्स ऑफ इनकम आपका मेजर तो टैक्स है, उसके अलावा क्या कमाई है आपके पास? यही है ना क्या? तो अब 18-20 लाख करोड़ का आपके पास कमाई है, उसके बाद आप इतने सारे जो लोक लुभावन नारे देते रहते हैं कि मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, उसके बाद जो खर्चे होंगे तो पैसा कहां से आएगा? पैसा आने के लिए ऑलरेडी इतना कर्जा पड़ा है, तो 10 लाख करोड़ और कर्जा लेना है क्या हर साल? तो ऐसे जो तो न्याय पर आधारित जो उनकी सारी घोषणाएं हैं, वो कोई बहुत अट्रैक्टिव तो है, लेकिन इंप्लीमेंट करने लायक नहीं है। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू इंप्लीमेंट ऑल these announcements, so it is for the sake of, these announcements are just for the sake of announcement to attract people, but it is not easy to implement it or practically usko enforce nahi kiya ja sakta. To aise nare dene ke liye unke paas economist hain, aur jo economist hai na wo zameen se jude nahi hai, wo ac kamre mein baith karke sirf aankdon pe khelte hain aur wo dete hain, yahi galat ho raha hai. Aapke paas zameen ka feedback kya, ye samajhna hai, aur zameen ka feedback aapke paas nahi hai. चूंकि जमीन का फीडबैक नहीं है, इसलिए एक काल्पनिक किस्म का एक आप अपना स्कीम बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं और उसको अनाउंस कर रहे हैं। राइट, बट फंडामेंटली देन वो इस आपको ऐसा लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने रीसेंट इंटरव्यूज में भी बोला कि देयर आर डिफरेंट कैंप्स इनसाइड द कांग्रेस, सो वन एस्पेक्ट एंड वन डायरेक्शन फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव इज के कांग्रेस में ऑफकोर्स अंदरूनी ही इतनी सारी खींचातानी हो रही है, दैट्स द रीजन व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट, स्पेशली सबसे बड़ी अगर ऑपोजिशन पार्टी अंदर ही फायर फाइटिंग अपने बीच में करते रहेगी तो फिर देश का प्रोग्रेस और ये सब कभी देखने मिलेगा। एंड दूसरे जगह पे व्हेन यू सी द एनडीए, यू नो यू हैव वन पर्सन वन लीडर, समबडी हुज बीइंग प्रोजेक्टेड इन दैट मैनर, एंड अगेन दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज द विजन, टनल विजन अबाउट व्हाट दे वांट टू अचीव, 1, 2, 3 ये सब चीजें करनी है। सो डू यू थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंसेस एज वेल इन दैट रिस्पेक्ट? एक हिंदी में कहावत है, ढेर जोगी मठ उजाड़। एक आश्रम में बहुत सारे जोगी आ जाएं तो फिर वो आश्रम जरा उजड़ जाता है, तो ये हाल है हमारे यहाँ। तो ये एक बड़ा एक पेरिनियल प्रॉब्लम है कांग्रेस पार्टी का, जिसमें मल्टीपल सेंटर्स हो गए हैं अभी हाल के दिनों में, खासकर 2019 के बाद से, उससे पहले इतना बड़ा इशू नहीं था। जब इंदिरा जी थी तो मोस्ट पावरफुल थी, एक सेंटर था, राजीव जी थे तो मोस्ट पावरफुल थे, फिर ये सोनिया जी तक एक पावर सेंटर था। अभी 2019 के बाद से क्या हुआ है, तो एक तो गांधी परिवार के तीन चेहरे हैं, तीनों के अपने अपने सेंटर हैं, फिर अध्यक्ष बन गए नए, वो अपना जो अधिकार है उसको एसर्ट करते रहते हैं, फिर एक हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, उन वो बेसिकली उस पोजीशन के लायक ही नहीं है, ही इज अ वेरी बैड कम्युनिकेटर, बट बिकॉज राहुल गांधी वॉन्ट्स हिम तो ही इज देयर, तो ही इज इंजॉइंग हिज ओन कोटरी एंड ओन ग्रुप। तो ये पांचों मिल करके कांग्रेस का बंटाधार कर रहे हैं।
और एक पावर सेंटर होता है तो एक दिमाग से चलता है, चार लोगों की राय लेता है, एडवाइस लेता है, उसके बाद एक लाइन ऑफ एक्शन तय करता है। यहां पर एक व्यक्ति का दूसरा लाइन ऑफ एक्शन है, तीसरे का तीसरा राय, और सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं, और सारी लॉबी और कोटरी एक दूसरे को निपटाने में खत्म करने में लगी हुई है। और ठीक है, पार्टी में देखो पॉलिटिकल जो पार्टी शब्द है ना, वो पार्टी शब्द मेरे ख्याल से लैटिन अमेरिकन शब्द है या फिर फ्रांस के किसी फिलोसोफर ने कहा था, पार्टी शब्द कम्स फ्रॉम पार्टीशन, पार्टीशन यानी विभाजन। तो जहां पार्टी बन गया मतलब विभाजन होना ही होना है। तो बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल पार्टी में ग्रुपिंग होती है, ये कोई मना नहीं कर रहा हूं, और इट्स वेरी नेचुरल प्रोसेस इन एनी पॉलिटिकल पार्टी वर्ल्ड वाइड है। लेकिन इस समय कांग्रेस पार्टी जो कि अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है, जो कि एक 10 वर्षों से सत्ता से बाहर है, जिसको कि लगातार पब्लिक देश की जनता रिजेक्ट कर रही है, जिसका जनाधार लगातार सिकुड़ता चला जा रहा है, तब इस प्रकार के जो इनफाइटिंग पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। तब निश्चित तौर पर कहीं एक सिंगल कमांड होना चाहिए, और वो सिंगल कमांड जिसके पास है उसको पूरी देश की समझ होनी चाहिए। जैसे जो इंदिरा जी थी तो उनको हिंदुस्तान के 600 जिलों में हर जिले में ढंग का जो वर्कर होता था पार्टी का, कांग्रेस का, उसका नाम तक पता होता था। तब तो कोई इंटरनेट नहीं था, कोई SMS नहीं था, कोई MMS नहीं था, कुछ नहीं था। तब वो जब जाती थी जिस जिले में, उस जिले के में उतरने से पहले, सर्किट हाउस में पहुंचने से पहले, उस जिले में जो कांग्रेस के प्रमुख नेता या जो उनके पर्सनल कॉन्टेक्ट लोग, उनको बुलावा, उनको टेलीग्राम दे दिया जाता था कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, हमको उनसे मिलना है। और सबसे मिलने से पहले वो अपने खास लोगों से मिलती थी, फीडबैक लेती थी। That there was a feedback culture when they were in the power. Right. आज कोई feedback culture है ही नहीं, वो मिस फीडबैक कल्चर है। Okay. और उस मिस फीडबैक कल्चर के चक्कर में लीडरशिप भी कंफ्यूज्ड है, और सब लीडरशिप अपने अपने ढंग से अपनी दुकान, अपनी अपना शटर ऑन करके काम कर रहे हैं, और उस चक्कर में कांग्रेस पार्टी लगातार बिखरती चली जा रही है। मैंने आज ही एक ANI को इंटरव्यू बताया कि आज कांग्रेस पार्टी की हालत जो है वो मुंबई के एक हेरिटेज बिल्डिंग की तरह है। हेरिटेज बिल्डिंग जूनी है, पुरानी है, दिखती भी बड़ी भव्य, लेकिन वो रहने के लायक नहीं है। उसमें जितने नेता हैं थके हारे हुए, नीचे से टेका देकर के बिल्डिंग संभाले हुए, और वो जो टेका देकर खड़े हुए एक दूसरे के टेका गिराने में भी लगे हुए, कब बिल्डिंग गिरेगी मालूम नहीं है। तो ऐसे हेरिटेज बिल्डिंग को हमको सिर्फ बचा के रखना है, रहना नहीं है वहां पे। तो हमको आने वाले दिनों में इस देश के नए जनरेशन को बताना है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए कांग्रेस पार्टी हु व्हिच फॉट फॉर आवर इंडिपेंडेंस एंड व्हिच रूल्ड इंडिया फॉर 70 इयर्स, बट नाउ दिस इज नो मोर रूलिंग आवर कंट्री एंड दिस इज द पार्टी एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही बचा के रखना, उससे ज्यादा आगे कुछ नहीं होना। ये मेरा वर्षों का कांग्रेस पार्टी में काम करने के बाद एक आत्मबोध प्राप्त हुआ है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दोष या कमी होगी। पर आप बोल रहे फीडबैक कल्चर नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल ये फीडबैक कल्चर जो जनरली होता है दैट इज मस्ट, मतलब हर एक चीज में, चाहे आप कॉर्पोरेट में ले लो, चाहे आप ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स में ले लो, पब्लिक सर्विस में सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फॉर एनीबॉडी टू टेक दैट फीडबैक। तो उस हिसाब से मतलब जो टॉप ब्रास है आज के तारीख में कांग्रेस में, आर दे इवन एक्सेसिबल? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। फीडबैक कल्चर इसलिए खत्म हो गया या डेड हो गया है कांग्रेस में क्योंकि देयर इज नो डायलॉग नाउ। एक कंप्लीट जो ब्रेकडाउन जो है ना हो गया है उसमें, कम्युनिकेशन सेटअप में। देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन वर्कर्स एंड द लीडर्स, देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन द सेकंड रैंक लीडर्स एंड द फर्स्ट रैंक लीडर्स, देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट लीडर्स एंड द सेंट्रल लीडर्स। तो जब इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप बन जाएगा ना, तो फीडबैक तो है लेकिन उसका कोई टेकर नहीं है। फीडबैक देने वाला तैयार है फीडबैक, लेकिन उसको लेने वाला कोई नहीं है। तो जब बगैर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्यों है? क्योंकि जो टॉप लीडरशिप है दे आर कंप्लीटली इनएक्सेसिबल, दे आर नॉट एट ऑल एक्सेसिबल टू द वर्कर्स और द स्टेट लीडर्स, दे आर नॉट एट ऑल ओपन टू लिसन टू the state leaders. They are not at all ready to interact with the state leaders. Rather, they meet state leaders and impose their own ideas and thought over the state leaders. And you have to do it. Otherwise, you are gone. ऐसे नहीं चलता पार्टी। ठीक है, मैं मानता हूं हर पार्टी का एक लीडर होता है, और लीडर ने जो एक बार डिसीजन ले लिया तो उसको सबको फॉलो करना चाहिए, लेकिन लीडर को डिसीजन लेने से पहले एक फीडबैक भी तो लेना पड़ेगा।
और उस पर उसी पर आधारित एक फाइनल डिसीजन होगा। तो कंप्लीटली लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्लीटली लैक ऑफ डायलॉग, एंड दैट इज वाई पार्टी इज जस्ट गोइंग हेवायर, एकदम डायरेक्शनलेस हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। महंगाई दूर करने के लिए क्या प्रोग्राम है आपके पास, आप नहीं कह सकते। महंगाई हम 100 दिन में बंद कर देंगे, कम कर देंगे, कर ही नहीं सकते। इन्फ्लेशन को आप 100 दिन के अंदर कंट्रोल इससे नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक एक एक, एक ग्लोबल इकोनॉमी हो चुका है। अभी जब अमेरिका में किसी चीज का भाव बढ़ेगा तो उसका असर इंडिया में पड़ना ही पड़ना है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि शुगर, दुनिया में शुगर की जो मैन्युफैक्चरिंग है, हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग गन्ना गन्ने की या प्रोडक्शन ब्राजील में है, नंबर टू हम है। आज शुगर का भाव तब घट जाता है जब वहां प्रोडक्शन बढ़ जाता है शुगर का। जिस दिन ब्राजील में शुगर केन का प्रोडक्शन कम हुआ, शुगर का प्रोडक्शन कम हुआ, पूरे वर्ल्ड में शुगर का भाव बढ़ जाता, हमारा भी भाव बढ़ेगा। तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है दोस्त। प्याज का भाव का यही मामला है, प्याज का अचानक एक्सपोर्ट बंद तो इंपोर्ट बंद, सब तो नाउ यू आर इंटरनली इंटरकनेक्टेड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड यू कैन नॉट जस्ट क्लेम दैट आई विल कंट्रोल इट। आप इस सिचुएशन के गुलाम हो चुके हैं। एक तो ये तो आज का दौर है, फिर भी महंगाई कोई मुद्दा बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए कि महंगाई का मतलब ही होता है बढ़ते रहना। 1960s में एक आने में चावल एक किलो मिलता था, आज मिलता है क्या? लेकिन 1960 में आपकी इकोनॉमी की साइज क्या थी? जब हिंदुस्तान का पहला बजट पेश हुआ था तो उस बजट की टोटल क्वांटम क्या था? 500 करोड़। 500 करोड़ डॉलर का हमारा बजट था। आज साहब 30 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ का बजट हो जाता है। तो जब 500 करोड़ का जब बजट था तो उस समय चीजों की प्राइस निश्चित तौर पर कम होगी। 2004 में चीजों की जो प्राइसेस थी वो कम थी। 2014 आते आते प्राइस बढ़ गई। 2024 आते आते नेचुरली प्राइस बढ़ने वाली, क्योंकि आपकी इकोनॉमी की साइज बढ़ रही है, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, बायर्स बढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आपकी देनदारी बढ़ रही है, लेनदारी बढ़ रही है, तो प्राइस तो फ्लक्चुएट करेगा। ये प्राइस विल गो अप, प्राइस विल नेवर गो डाउन। तो एक तो आधुनिक जो मॉडर्न सेटअप है इकोनॉमी का उसका असर है, दूसरा इट इज अ बट नेचुरल टू इंक्रीज, इंक्रीजिंग प्राइस इंक्रीज इज अ नेचुरल प्रोसेस। हाँ, अब ये एक सही अनुपात में बढ़ना चाहिए, बस ये लड़ाई है भाई। जितनी आपकी कमाई है उसके अनुपात में प्राइस इंडेक्स होना चाहिए। आपकी कमाई कम है और अगर प्राइस ज्यादा हो जाती है तब लोगों के सामने हाहाकार मच जाता है, उसको कंट्रोल करना है। और मुझे लगता है पिछले 10 वर्षों में जहां तक प्राइस इंडेक्स की बात है, दैट वाज बेसिकली एक मॉडरेट था। Okay. इतना भी मेजर नहीं था, एकदम हाहाकार मच जाए। बिकॉज आई थिंक जनरल पब्लिक जो है, पॉपुलेशन जो है, आई थिंक उनको आइडिया है कि इन्फ्लेशन डेफिनेटली गोज, बिकॉज इवन इफ यू टेक एनुअली एज वेल लाइक अ फ्यू परसेंट ऑफ इन्फ्लेशन व्हेन यू मल्टीप्लाई 10 साल से, तो नेचुरली कोई भी चीजों का कॉस्ट वो कभी सेम नहीं रहेगा। एंड विद अ ग्रोइंग इकोनॉमी जैसा आपने बोला, दैट्स एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल। बट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव इन लाइक दैट, डू यू थिंक, very straightforward, very to the head question, do you think Rahul Gandhi is fit today to hold the highest office in the country? But Rahul Gandhi ji ko badalna padega apne aap ko, soch ke astar par, approach ke astar par, accessibility ke astar par, interaction ke astar par, aise hi rath pe baith karke aise haath hila diye, कोई आ गया बच्चा तो उसको हग कर लिए, किसी को किस कर लिए, ठीक है ये ऑप्टिक है, अच्छा ऑप्टिक है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। वो जो पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस होता है ना, दैट प्रोसेस इज मिसिंग इन हिज स्कीम ऑफ प्रोग्राम। दैट प्रोसेस इज नॉट देयर। ही नेवर इंटरैक्ट्स विद पीपल, ही नेवर मीट्स पीपल। अब मिलते भी हैं तो सामने वालों को सुनना चाहिए। सबसे बड़ा गुण पॉलिटिशियन में क्या होता है? अपनी बात नहीं सुनाना है, सामने वाले को सुनना है, उससे ज्यादा से ज्यादा ले लेना है। सबसे सफल पॉलिटिशियन का मतलब होता है कम बोलना। हाँ, इंटरव्यू देने गए तो मेरी तरफ बोलो जितना बोलना है, लेकिन कोई मिलने आया है तो उसकी बात सुनने की बजाय अपनी बात थोपे जा रहे हो। तो बड़ा वन साइड, योर जॉब इज टू टेक फीडबैक फ्रॉम योर पीपल।
बीजेपी वाला भी कोई आया, तुम कांग्रेस में हो तो एटलीस्ट उसके साथ सुनो ना भाई क्या बोल रहे हो, उसको अपनी बात सुना के उसको भगा दिए। तो एक तो इंटरेक्शन नहीं है, फीडबैक नहीं है, दूसरे बहुत ज्यादा इंपोजिंग पर्सनालिटी है, तीसरा विजन में कहीं ना कहीं दोष है, दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं कमी है। युवा पीढ़ी जैसे अभी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एफर्ट वो काफी सारे डाल रहे हैं, ही इज एक्चुअली रियली ट्राइंग वेरी हार्ड। नाउ आई डोंट नो अभी कितने सक्सेसफुल है, मेरे हिसाब से जितना मैं सोचता हूँ, थोड़ा जो भी मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा इनरोड किया है, स्पेशली वेन इट कम्स टू मीटिंग द न्यू जनरेशन। बिकॉज आई थिंक सबसे ज्यादा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 50% से ऊपर के आज परसेंटेज के पॉपुलेशन हमारी 35 के अंडर है, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन वाई कि हम सबसे बड़ी और आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी बनने वाले, बिकॉज जो यंगेस्ट वर्किंग फोर्स वो हमारे पास ही होगी, यू नो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। तो आपको ऐसे लगता है कि ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस जो है या ट्रेडिशनल पार्टीज थॉट प्रोसेस जो हैं वो काफी डिसकनेक्टेड है विद वॉट द रियल यंग जनरेशन वॉन्ट्स टूडे, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन you know a lot of these ke aake haath milaya hello kiya ye, these are not the things that they are interested in at all. They have a very intelligent matlab dimag chalta hai unka bahut fast, jaise aapne bhi bataya. Do you think there's a big disconnect like that? Ek aisa hai, aaj ka jo young generation hai na wo itna well informed hai na ki aap jo soch rahe ho wahan se aage nikal chuka hai, uske aage ki baat bolo, right? Uske aage ki baat bolne ke liye aapko us content hi nahi hai. तो आप जो सोच रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं, वहां से आगे निकल चुका है, और चूंकि वो आगे निकल गया तो आप जब उसे कनेक्ट करते हैं तो उसको लगता है कि ही इज लैगिंग बिहाइंड मी यार, ही डजंट नो व्हाट आई अंडरस्टैंड, व्हाट आई डू नीड। तो इस नए जनरेशन के साथ देखो, ये सब बड़ा एम्बिशियस जनरेशन है, बहुत ज्यादा पुराने हैंगअप्स में नहीं जीता है, बहुत ज्यादा पुराने आग्रहों को लेकर के नहीं जी रहा है वो, बड़ा फ्रेश है और बड़ा ओपन है, ट्रांसपेरेंट है। वो जो पुरानी जो सारी सोच है, थ्योरी है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, और यही ये हिंदू पॉप भी गा रहा है, राम आएंगे ये गीत भी गा रहा है। तो एक अपने विरासत के साथ जी रहा है और उसी में विकास की कहानी एक धागे में बुनता जा रहा है, उसका एक अपना करियर है, उसका अपना स्टार्टअप है, उस स्टार्टअप को आगे तेजी से बढ़ाना है, और उसके स्टार्टअप को बढ़ाने के साथ साथ वो अपने विरासत से भी जुड़ा हुआ है। आप उसको क्या बोलते हो, विरासत से जुड़ने नहीं दे रहे हो। बड़ा मजेदार किस्म का मामला है कि ये आज इंटरनेट के युग में, डिजिटल युग में वो राम के गीत गाया जा रहा है, और एक नहीं सब गा रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं वो। तो उस वो जो पूरा लिगेसी को ढोने, लिगेसी को, लिगेसी के साथ जीने को जो इंजॉय करने वाला जनरेशन है, जो एट द सेम टाइम मॉडर्न अप्रोच लेके खड़ा हो गया है, वो एक नए किस्म की ब्लेंडिंग है ये। इस ब्लेंडिंग को हम नहीं समझ पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस पार्टी उससे कनेक्ट होती है, पलते पलते विरासत ना छोड़ो, तुम मेरे पास आओ, अमर्त्य सेन को सुनाते हैं, बनर्जी साहब को सुनाते हैं, वो बोलता ठीक है साहब, अमर्त्य सेन हम सुन लेंगे, लेकिन वो जो हमारे विरासत पे सवाल उठाता है ना, दैट आई डोंट लाइक, और वहां से डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। आप 50% बोले, मेरे ख्याल से 65% के आसपास जो हमारा पॉपुलेशन है वो 18 साल की उम्र से लेकर 35 साल के बीच का। यस, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और इंडिया का जो यंगेस्ट पॉपुलेशन है वो वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस कॉम है ये, right। पूरी दुनिया के जो यंग बच्चे हैं ना, उनमें से सबसे ज्यादा एम्बिशियस बच्चे जो हमारे इंडियंस हैं, पूरी दुनिया में ये माइग्रेट करते हैं, जाते हैं, नौकरी करते हैं, रूल करते हैं, पैसा भेजते हैं, वापस भी आ जाते हैं। वो जब सिग्नल पे खड़े होते हैं ना, तो रेड सिग्नल जो है ना उसके ग्रीन होने का इंतजार नहीं करते हैं, येलो पे ही अपना गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। वो जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है इंडियन यंगस्टर्स का, उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो स्ट्रीट स्मार्टनेस ऑफ यंगस्टर्स, जो आज का जो यंगस्टर है, उससे कांग्रेस कनेक्ट नहीं कर पा रही है, डिस्कनेक्टेड है। अब जैसे ही वो येलो हुआ और गाड़ी अब एक्सेलेट करना शुरू किया गाड़ी उसने, तो कांग्रेस कहती है कि नहीं, अब इसको ग्रीन तक इंतजार करो, और उसका इतना पेशेंस नहीं है। यंग वैसे ही पेशेंसलेस होते हैं, लेकिन हमारा आज का यंग है ना, वो येलो के ग्रीन होने तक का इंतजार नहीं करेगा, राइट? जैसे ही एक्सलेट करता है, एक्सलेट किया, ग्रीन हुआ, निकला सबसे आगे। बट
हाउ डू यू कनेक्ट विद दोस पीपल? जैसे मतलब अगर एक पॉलिटिशियन है या पॉलिटिकल पार्टी है, बिकॉज ऑफकोर्स आप जो डिफरेंट ईरा से हैं, बिकॉज तभी आपका एक्सपोजर थोड़ा सा डिफरेंट था. आजकल जो बच्चे हैं 3 या 4 या 5 साल के, दे वॉन्ट मोबाइल फोन्स. तो ऐसे टाइम पे हाउ डू यू कनेक्ट विद दोस यंगर पीपल? देखिए, जब देश आजाद हुआ तब जो यंग जनरेशन था वो गांधी जी और नेहरू जी की विचारधारा में और उनके कामकाज करने के तरीके से इतना प्रभावित था कि वो इस तरीके से सोचता था. सादा जीवन, उच्च विचार वाला था वो. तो उससे उस समय के नेहरू जी वगैरह ने उस तरह से कनेक्ट किया. तभी तो पूरा युवा, जो पूरी जो युवा पीढ़ी थी वो नेहरू जी के पीछे चल पड़ी. आज वो सादा जीवन और उच्च विचार नहीं है. ऐसा भी नहीं कि एकदम से नीचे गिर गए हो सर, क्योंकि आज मॉडर्न एज है. आज कंज्यूमरिज्म इज जस्ट रूलिंग द वर्ल्ड. आप उस बच्चे को जाके बोलो कि तुम एक काम करो, ये तुम जींस निकालो और टी शर्ट निकालो और तुम गांधी जी की तरह लंगोटी पहन के घूमो, कोई एक्सेप्ट करने वाला है? वो इसलिए नहीं एक्सेप्ट करेगा कि जब इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास, वैरायटी ऑफ जींस है, वैरायटी ऑफ ड्रेसेस है, वैरायटी ऑफ थॉट है, वैरायटी ऑफ गैजेट्स हैं आपके सामने, तब उसको बोलो तुम गैजेट भूल जाओ, चलो गुरुकुल में पढ़ाई करो, इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू. तो जमाने के साथ आपको बदलना पड़ेगा. अगर आप नहीं बदलेंगे तो पीछे छूट जाएंगे. ये पुरानी कहावत है, हर इंसान को बदलते समय के साथ अपने आप को बदलना चाहिए. right. और जब बदलते समय के साथ आप बदलते हैं तो उसके हिसाब से फिर आप आगे मूव करते हैं, और बदलते समय के साथ आप नहीं करेंगे तो आप उस रेस में पीछे छूट जाएंगे. तो कांग्रेस पार्टी बदलते हुए दौर के साथ आइडियोलॉजिकली तैयार नहीं है, ऑर्गेनाइजेशनली तैयार नहीं है. इश्यूज जो हैं उन इश्यूज को भी नए ढंग से आपको आर्टिकुलेट करना पड़ेगा. वही पुराने इश्यूज. अच्छा, एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात चलती है, ये संविधान बदल देंगे. अव्वल तो कोई बदल नहीं सकता, इसलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है संविधान का, यू कैन नॉट टच दैट. बट दैट डजंट मीन आप इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते. अमेंडमेंट तो कर सकते हैं. बीजेपी की सरकार या नरेंद्र मोदी के आने से पहले 102 बार हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो चुका है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तब तक कितना पुराना था? 70 साल पुराना. 70 साल पुराने भारतीय संविधान में संशोधन हो चुके हैं 102 बार. अगर यह पाप है संशोधन करना, तो पिछली तमाम सरकारों ने पाप किया. आगे भी अगर नई सरकार आके उसमें कुछ संशोधन करती है तो अगर वो गलत है तो इससे पहले भी गलत था. लेकिन बुनियादी तौर पे सोचिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलमोस्ट 250 ईयर्स ओल्ड. उसमें टोटल कितने संशोधन हुए मालूम? अमेंडमेंट हुए 17. 250 साल में अमेरिका के संविधान में सिर्फ 17 बार संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं. जबकि भारत के संविधान में मोदी के आने से पहले तक 102 बार 70 साल में संशोधन हो चुके हैं. 106 संशोधन जो है वो महिला विधेयक है जो पेंडिंग है, मेरे को पास हो गया है 106 अमेंडमेंट है जाते मुझे याद आ रहा है. तो आगे भी अगर नई सरकार मोदी अगर तीसरी बार आते हैं और वो संविधान में कुछ संशोधन करते तो कोई पाप नहीं है. अगर ये पाप है तो पहले आपने पाप किया है. लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर कोई नहीं. अब इस चीज को आज का जनरेशन समझता है, जानता है. वो बोला ठीक है, जिस संविधान में थोड़ा चेंज कर, तो क्या फर्क पड़ता है साहब? और आपका मेन इश्यू वही है. आज का जो जेन जी है, ही डजंट बॉदर. वो बोलता है कि ठीक है साहब, उसमें कर कुछ कुछ गलत है तो चेंज कर दो. इतना बदला हुआ, इतना फ्रेश माइंड का है वो. उसमें आप जबरदस्ती आइडिया डाल रहे हो, उसके दिमाग में घुसेगा ही नहीं. और वो नहीं घुसेगा तो आपसे कनेक्ट नहीं करेगा. कनेक्ट नहीं करेगा तो आपको वोट नहीं देगा. वो कनेक्ट उस आदमी से कर रहा है जो गेमर के साथ बैठा हुआ है. वो कनेक्ट उस आदमी से कर रहा है जो इन्फ्लुएंसर के साथ बैठा है, उसकी लैंग्वेज में बात कर रहा है. सो लार्जली मुझे ऐसा लगता है कि एक लीडर, यू नो सी, बिकॉज कैसा है, बहुत कम एक्सेसिबिलिटी मिलती है आम जनता को टू हैव टू सी हाउ द इनर वर्किंग्स ऑफ द पार्टीज आर, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस. जैसा भी आप आर्टिकुलेट कर रहे हैं आज, तो काफ़ी चीज़ें समझ में आती है. तो मुझे ऐसा समझ में आता है काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल के एक पार्टी जो होती है और पार्टी का लीडर होता है वो काफी सिमिलर होता है इन टर्म्स ऑफ हाउ अ कंपनी एंड अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वर्क्स.
Number one, there needs to be some sort of a vision. Number two, he or she needs to be surrounded by the right people. Because the right log agar unko surround karenge, jaise kaam mein bhi CEO ke aaju baaju ke jo rehte hain, inner circle jo hum kehte hain, they are really smart, they are intelligent, they are connected with the roots, they know ke niche kya chal raha hai sab jage. I think similar political party ke hisab se, us hisab se bhi hai. So from that perspective then, ऐसा आपको लगता है कि एंट्री ऑफ बैरियर भी काफी नए नए लोगों के लिए स्पेशली बिकॉज बदलाव अगर लाना है काफी चीजों में तो बदलाव भी फिर यंगर जनरेशन को भी काफी सारा उसमें पार्ट लेना पड़ेगा बट वो बैरियर ऑफ एंट्री काफी डिफिकल्ट है और क्योंकि काफी सारे यंग लोग ऐसे दिखते नहीं है जो उभर उभर के आ रहे हैं हु रियली वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस ये है इशू है कि एक तो थोड़ा डायनेस्टिक का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है हमारे यहाँ जो बड़े बाप के बेटों को तुरंत बड़े में पोजीशनिंग मिल जाती है राहुल जी जब आए तो उनके आसपास जो लोग थे वो सब बड़े बाप के बेटे थे और कहते थे टीम राहुल बोला जाता था आज उसमें से कोई नहीं बचा है मजबूरन बेचारा से सचिन पायलट टीका पड़ा बाकी सब निकल चुके हैं वहां से नया भी जो होता है उसमें बहुत ही बगैर किसी बैकग्राउंड के लोग कांग्रेस पार्टी में आकर के कोई जगह बना ले इतना आसान नहीं है क्योंकि वो इतना कब्जा करके बैठे हुए हैं वो तो मेरे जैसा आदमी कांग्रेस में जाता है घुस करके अपनी जगह बनाता है वो मैं असर्टिव था थोड़ा काम मेहनती था थोड़ा मतलब एग्रेसिव था तो उतनी जगह बना पाया लेकिन मैं भी आखिर 20 साल बाद थक गया अपने बाप इससे ज्यादा यहाँ नहीं झेला जा सकता क्योंकि यहाँ पर इससे ज्यादा मतलब समझने वाले मानने वाले लोग नहीं है लेकिन आप सही कह रहे हैं कि वो पूरा जो बंद रखा गया है ना कांग्रेस के पूरे उस घर को और उस घर में जो एंट्री जो बैन की गई है उसका ही नुकसान है अगर आप नए नए जनरेशन को आने देंगे और आने ही नहीं देना है आने के बाद उसके ऊपर अपनी बात इम्पोज करने के बजाय उसकी बात सुननी है उसकी बात नहीं सुनी जाती है ये जो सामने वाले जो लोग आ रहे हैं जो नए नए फ्रेशर्स आ रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं उनके अप्रोच क्या है जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं और उनकी बातों के आधार पर जब तक अपने नैरेटिव बिल्ट नहीं करेंगे ना तब तक आपको कोई एक नया रोड मैप नहीं मिल पाएगा तो कांग्रेस पार्टी एकदम जो पूरा प्लॉट जो छूट गया या फिर रोड मैप नहीं बन पा रहा है सही डायरेक्शन में उसका कारण यही है कि बड़ा एक क्लोज सर्किल हो गया है जो वहां पर जो लोग पार्टी चलाते हैं आज की तारीख में वो सब रूथलेस और रूटलेस लोग हैं दे डोंट हैव एनी रूट इन एनी एरिया बहुत सारे ऐसे ऐसे हाईकमान के नेता बने हैं जिनको उनके मोहल्ले में कोई नहीं पहचानता होगा उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है बस वो एक चूंकि कांग्रेस पार्टी में चापलूसी का कल्चर प्रारंभ से रहा है खासकर वो इंदिरा जी के आने के बाद से तो कांग्रेस में वही आदमी आ गया जो सबसे बड़ा चापलूस हो तो वो चापलूसी का कल्चर फिर से आ गया है और बहुत तरीके से वो अंदर घुस गया है तो ऐसे लोगों के बीच आप ठीक है आपकी रोज आपको मिलके कोई आपको बोला बहुत महान है बहुत महान है बहुत महान है और उसके बाद आपने धीरे से उसको दे रहे हैं तो ठीक है वो तो बस आपको आप कुछ पाने के लिए आपको महान बोल रहा था क्योंकि उसकी वो दरबारी आदमी है उसको कायदे से बोलना चाहिए कि भाई आपने ये कमी इसको दूर करिए तब आपकी कमी दूर होगी तो पार्टी की कमी दूर होगी देन विल गो अहेड एंड देन तो कुछ अपने पार्टी के हित में कुछ होगा वो सुनने वाला कुछ नहीं है फालतू का डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर और ये सब चल रहा है उस चक्कर में डे बाय डे ये खत्म होते चले जा रहे राइट आई नो सर दैट इन पॉलिटिक्स एज सच एलिजेंस इज नॉट समथिंग जो होता है काफी लाइक फॉर एग्जांपल आज ऑफ कोर्स आपकी किसी से नहीं जमती है तो देन दूसरे दिन जमानी पड़ती है या तो फिर कभी किसी से आपकी बात नहीं हो रही थी देन नेक्स्ट टाइम सम टाइम्स यू हैव टू डू दैट सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव मतलब आपको क्या लग रहा है कि आपका करंट वट एवर सिनारियो के हिसाब से वॉट इज द बेस्ट रोड जो आप बेसिकली ले सकते हैं नेचुरली अगर चुनाव लड़ना है तो दूसरे साइड ही जाना होगा चुनाव लड़ना एक प्रायोरिटी है और जो दूसरा साइड है उसके टच में हूँ संपर्क में हूँ मैं लेकिन उनके बीच भी कुछ चीज़ें कुछ इश्यूज हैं जो अभी सॉर्ट आउट होना बाकी है और उसकी वजह से चीज़ें अभी पेंडिंग हैं तो आने वाले एक आध हफ्ते में कुछ सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से लड़ रहे हैं क्या लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं क्या है तो मोटा मोटी तौर पर बहुत सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं और काफ़ी कुछ फाइनल स्टेज पे है लेकिन एक दो इश्यूज हैं जो अभी भी सॉर्ट आउट करना बाकी है जो आने वाले दो चार दिनों में कुछ क्लियर होगा बट बताएंगे हम आपको बट
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कभी नहीं. इज इट डिफिकल्ट मतलब इन दिस सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम इन टुडेज डे? क्या है देखो, हिंदुस्तान में चुनाव लड़ना अब एक बच्चे का खेल नहीं रह गया. चुनाव एक बहुत ही महंगा प्रपोजल हो गया है. और खासकर मुंबई जैसे शहर में चुनाव लड़ना एक बहुत महंगा मामला है. और हमारे जैसे लोग इंडिपेंडेंट उतरे, और मजबूरी क्या है इंडिपेंडेंट उतरने की, या तो फिर नहीं लड़ेंगे. तो लड़ेंगे तो एक किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होकर लड़ेंगे, क्योंकि फिर मेरा विश्वास है कि जब ये जो आइडियोलॉजी गलत है, ये स्ट्रक्चर गलत है, तो उसके सामने जो स्ट्रक्चर है वो सही है. तो ये स्ट्रक्चर सही है तो मुझे इसकी ताकत बनना है. जब इसकी ताकत बनना है तो इससे जुड़ना है. इन दोनों के बीच में मैं इंडिपेंडेंट खड़ा होकर के इसकी इस स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाऊं, उसको भी पहुंचाऊं, ये एक बहुत वाइज डिसीजन नहीं होगा. और फिर मैं अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं. True. मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये पार्टी गलत क्यों हो गई, क्योंकि ये पार्टी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही. और सही डायरेक्शन में कौन जा रहा है? तो ये लोग जा रहे हैं. तो मुझे इसके साथ खड़ा रहना चाहिए. True. ये समय की मांग है और मेरा धर्म है, मेरी जिम्मेदारी बनती है. और अगर मैं इनके साथ भी खड़ा नहीं होता तो फिर बेसिकली मैं गलत हूं. ये भी गलत है, ये भी गलत. तो मैं इतना मानता नहीं कि मैं सबसे सही हूं. तो कोई इंडिपेंडेंट का रूट हर तरीके से कोई बहुत अच्छा नहीं है. फ्रॉम अ आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव, जो जनरल जनता रहती है, उनमें नॉर्मल ऐसा बिलीफ होता है कि कोई पार्टी अगर यू नो पावर में अभी आई है, दे कम इन टू दी कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड ऑपोजिट साइड से ऑफकोर्स इफ समबडी इज नॉट देयर या हारे, तो वॉट डू दे रियली डू इन दोज 3 or 4 or 5 years दैट दे कैन स्टिल कुछ चेंज फिर भी ला सके या कुछ कर सके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अभी भी? बिकॉज नॉर्मल जो यंगस्टर्स, अगर मेरे पर्सपेक्टिव से कहूँ, तो हमें ऐसा लगता है कि जितना भी हम देखते हैं कम्युनिकेशन हर एक पार्टी का, तो जो नहीं है पावर में तो उसके ऑपोजिशन वाले हमेशा हर एक चीज़ में उनका चिट्टा ही खोलने की ट्राई करते हैं या पोल खोलने की ट्राई करते हैं या कुछ ऐसा होता है. इज दैट दी ओनली रूट? कि नहीं, देखो जो डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है उसमें दो पिलर्स हैं. एक तो रूलिंग पार्टी सत्ता पक्ष, और दूसरा पिलर है विपक्ष. और डेमोक्रेसी तभी मजबूत होगा जब दोनों पक्ष मजबूत होगा. सत्ता पक्ष को जनता ने चुन के दिया है, मौका दिया है कि आप जाइए साफ सरकार बनाइए और हमारे लिए नई पॉलिसी बनाइए, हम पे राज करिए, हम पे रूल करिए, हमारे देश का विकास करिए. तो बिल्कुल उसी टाइम पे विपक्ष को ये जिम्मेदारी डेमोक्रेसी ने दे रखी है कि जिसको जनता ने चुना है वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस पर ध्यान दो. आपको ध्यान देना पड़ेगा. अगर विपक्ष बहुत कमजोर हो गया तो वहां डेमोक्रेसी कमजोर हो जाएगी. इसलिए विपक्ष को भी एक ताकत लेके खड़ा रहना है. और सत्ता पक्ष का भी धर्म है कि विपक्ष की अगर सही कोई आलोचना है, अगर कोई सही क्रिटिसिज्म है, तो उसको राइट अर्नेस्ट में लिया जाए और उसके हिसाब से हो सके तो अपने आप को बदला जाए. और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करना है. कोई भी निर्णय लिया तो बस उसका विरोध करना है, मतलब विरोध करना है, यह भी अच्छी बात नहीं है. ये जो बारीक चीजें हैं इस, ये दैट इज मिसिंग नाउ. पहले ऐसा नहीं था. एक जमाना था, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, कि राम मनोहर लोहिया एक सोशलिस्ट लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े समाजवादी चिंतक थे वो, और नेहरू जी के जबरदस्त क्रिटिक थे. और लेकिन वो लोकसभा जीत नहीं पाते थे. नेहरू जी का इतना बड़ा जलवा था, जैसे आज मोदी जी का जलवा, ऐसे नेहरू जी का जलवा था. इतने बड़े क्रिटिक होकर के इतना, और उनकी खूब छपता था, उनकी उनकी बातें खूब छपती थी, उनको बड़ा रिगार्ड था, रिस्पेक्ट था, चुनाव हार जाते थे. तो नेहरू जी याद करके फिर लोहिया जी को राज्यसभा में लाते थे. नेहरू जी अपने मोस्ट आर्डेंट क्रिटिक को क्यों कहते थे, बोले भाई उसका रहना जरूरी है, वो मुझे क्रिटिसाइज करेगा तो मुझे समझ में आएगा गलत क्या हो रहा है. डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के रिश्ते के बारे में आपने कभी पढ़ा होगा तो एक बड़ा आपको थोड़ा सा एहसास होगा कि अंबेडकर गांधी जी को बहुत क्रिटिसाइज करते थे. हालांकि दोनों सेम पेज पे थे, दोनों दलितों के उत्थान की बात करते थे, दोनों दलितों के मुख्य धारा में लाने की बात करते थे, लेकिन दोनों का सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था. तो अंबेडकर अक्सर उनसे डिफर करते थे. फिर जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी तो ये बंगाल से चुनाव लड़े थे. बाद में जब पार्टीशन हुआ तो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो बांग्लादेश में चली गई. ओके. और वो आप पार्लियामेंट में आ ही नहीं सकते.
नहीं सर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं आया, उससे पहले की बात बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो पार्टीशन के बाद बना है, तो उससे पहले वहां से आते थे, एक बार आए थे। तो बोला साहब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं आ पाएंगे, तो गांधी जी ने इंटरवीन किया। नहीं, वो बहुत बड़ा विद्वान आदमी है, लॉ को समझते हैं और पूरे देश के जो डाउन ट्रोडन कम्युनिटी है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव, उसका चेहरा है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में होना ही चाहिए। तो उनको लाने के लिए गांधी जी ने इनिशिएटिव ली अपने सबसे बड़े क्रिटिक के लिए, और मुंबई से जो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर थे उनसे रिजाइन करवाया और उनको चुनाव लड़ाया, उनको जिताया और उनको यहां लेके आए। ये परंपरा रही है हिंदुस्तान की कि अपने क्रिटिक को भी सम्मान दो। और क्रिटिक डॉक्टर अम्बेडकर भी वहां पहुंच के, मतलब ऐसा नहीं कि मोबिलाइज हो गए, आपने मुझे एमपी बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर बना दिया, मैं आपके खिलाफ लगे रहे। बहुत सारे जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें कई जगह अम्बेडकर अकेले और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अलग है, फिर भी लड़े बेचारे हो। तो ये जो डेमोक्रेसी के अंदर की एक परंपरा है, बड़ी स्वस्थ और स्वतंत्र परंपरा है, बड़ी अच्छी परंपरा है, समृद्ध परंपरा है, ये परंपरा भी आने वाले दिनों में चलते रहनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये नहीं है, कम है। अब दोनों पक्षों के बीच जो कॉर्डियल रिलेशन होना चाहिए, दैट इज मिसिंग। हम बिना वजह प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, क्या जरूरत है। बट द बेसिस ऑफ पॉलिसी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम, यू हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, लेकिन पर्सनल लेवल पे किस प्रकार की बातें करते हैं, क्या करते हैं, वो भी जग जाहिर है। तो वो एकदम जब विरोध करने के जोश में आके इतना विरोध, इतना क्रिटिसिज्म, कि वो फिर एक कटुता पैदा कर रहा है आपस में। तो हमारी जो डेमोक्रेसी इस समय बहुत इस पे कड़वाहट भर गई है। बट आपको लगता है कि ये बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, अगर जो कोई फॉर एग्जाम्पल जो पार्टी पावर में आती है, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में समझिए आप अगर पावर में आए, so then it also becomes के priorities क्या है, वो priorities पे ये मैं आपको ठीक है। सबसे पहली बात बता दूं, MP member of parliament का जो primarily जो काम है वो law making है, उसका काम अपनी constituency में गटर बनाना नहीं है। जब एक MP को उसके constituents चुन के भेजते हैं तो पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, और पार्लियामेंट का काम क्या है, देश के लिए पॉलिसी बनाना, लॉ बनाना, लेजिस्लेशन करना, उसमें उसको पार्टिसिपेट करना है, उसको स्टडी करके अपने व्यूज देना है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये कहना है, ये उसका मेन जॉब है। लेकिन इसके साथ साथ उसको एक जिम्मेदारी दे दी गई कि तुम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी डेवलप करो। उसके लिए उसको 5 करोड़ रुपए का आजकल फंड मिलता है, जिसको हम MP लेड स्कीम बोलते हैं, राइट। पहले नहीं था। ये मजेदार बात यह है कि ये राम नाईक जी जब MP थे तब वो उन्होंने एक लेजिस्लेशन मूव करके सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि हर MP को कुछ फंड मिलना चाहिए ताकि अपने एरिया का वो डेवलपमेंट का काम कर सके, लोकल एरिया डेवलपमेंट का काम कर सके। तो वो 5 करोड़ फंड आ गया, 5 करोड़ फंड आ गया तो लोग आते हैं मांगने। अब 5 करोड़ में एक साल में एक MP क्या कर सकता है? अगर लोखंडवाला में रोड बनाने निकलेगा वो, तो लोखंडवाला सर्किल से कोकिलाबेन तक जाते जाते उसका 5 करोड़ खत्म हो जाएगा। फिर भी एज ए MP हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंस का ख्याल रखिए। तो क्या ख्याल रखना है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसका रेलवे से जुड़ा हुआ कोई सवाल है क्या, उसकी नौकरी से जुड़ा कोई सवाल है क्या, उसका पासपोर्ट से जुड़ा कोई सवाल है क्या? जैसे मैं जब लोकसभा में था और राज्यसभा में भी था, तो अक्सर जब बजट पेश होता था तो मेरे पास अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स थे मुंबई के, वो लोग अप्रोच करते थे। कई बार डायमंड एसोसिएशन वाले आते थे, कई बार वो लीकर एसोसिएशन वाले आते थे, लिकर वाले तो बहुत कम आए क्योंकि वो वहाँ की पॉलिसी यहाँ के उसको नहीं करते, right। तो अलग कई बार वो बिजनेस ग्रुप के लोग आते थे, कई बार इनकम टैक्स स्लैब के बारे में पोजिशन प्रपोजल लेके आते थे, फिर ज्वेलरी सेक्शन वाले लोग आते थे कि साहब ये जो गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है बजट में, इसमें थोड़ा सा करेक्शन चाहिए क्योंकि हमारे खिलाफ जा रहा है। तो इस तो बजट में जब अनाउंसमेंट होता था उसमें अगर लोग, तो उनके इश्यूज को समझ करके पार्लियामेंट में लेके जाना, मिनिस्टर को एक पिटीशन देना, फिर बजट पर बोलते। मैं कई बजट पे जो डिस्कशन था ना उसको मैंने इनिशिएट किया है, yes, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, yes। और मुझे बड़ा इस बात का फक्र है, और मुझे कांग्रेस पार्टी ने कई बार बोला कि आप करिए।
उन इश्यूज को हम लेके जाते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग से जुड़े बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को प्रभावित करता है, उस समय आपका एक मेजर रोल बन जाता है। okay. और वो रोल प्ले करने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसके लिए आपको अवेलेबल रहना चाहिए। एक बार जब मैं नॉर्थ मुंबई का MP था तो मलाड का एक कोई यंग था, वो था सेलर था, वो कहीं फंस गया कहीं अफ्रीकन कंट्री में और बड़ा मेजर इशू हो गया था, एकदम हाहाकार मच गया था। फिर उसके लिए कोई सुनने वाला तैयार, सुनने को तैयार, तो मलाड में एवरसाइन नगर की फैमिली थी, उस पूरी फैमिली को ले जा करके मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिलवाया, फिर फॉरन अफेयर्स के जो मिनिस्टर थे कृष्णा साहब उनसे मिलवाया, और फाइनली फिर हमारे यहाँ के फॉरन डिपार्टमेंट ने एम्बेसी को फ़ोन किया और उस बच्चे को बचा के लाए। ऐसे बहुत सारे काम, तो ये सब तो एकदम से बहुत डिफिकल्ट काम है। आम आदमी के लिए फॉरेन डिपार्टमेंट जो फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है वो एक्सेसिबल नहीं है। एक्सटर्नल अफेयर्स में मतलब नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में बेचारा कोई नहीं जा सकता। तब वहाँ एक MP की जिम्मेदारी बनती है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंस को रिप्रेजेंट करो, उसके इश्यूज को सॉल्व करो। तो ये सारे इश्यूज किए जा सकते हैं, लेकिन हर इश्यू पे मतलब MP के पास कोई एग्जीक्यूटिव राइट नहीं होता। इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, उसके राइट्स का कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब एज एन एग्जीक्यूटिव को कोई ऑर्डर दे करके नहीं बोल, मैं ऑर्डर नहीं दे सकता कि यहाँ पे रोड बनाओ। मैं एट द मोस्ट मैं अपने फंड के अंदर से बोल सकता हूँ ये मेरा इतना फंड है इसमें से बना दीजिए, उसकी एक लिमिटेशन। दिस इज सो इंटरेस्टिंग, आई टेल यू व्हाई सर, बिकॉज यूजुअली जो यंगर जनरेशन एटलीस्ट है उनका बेसिकली थॉट प्रोसेस ये है कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई MP सिलेक्ट हो रहा है तो उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि ये डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा आना चाहिए हमारे एरिया में, यू नो। बट आपने जो ये बात बोली दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग आई ओपनर फॉर मी एज वेल, बिकॉज आप जैसे बोल रहे कि प्राइमरी जॉब ऑफ एन MP इज एक्चुअली टू मेक लॉ मेकिंग, विच इज ग्रेट, लॉ मेकर, यस, एंड वी आर अवेयर ऑफ दैट। But it never occurred to me that that is the primary role, and because जैसे आप जानते हैं अभी अगर लोखंडवाला में आप रह रहे हैं तो आप हमेशा पहले ये सोचेंगे ओके रोड अभी जैसे करंट कंडीशन है, यू बी लाइक ओके यू नो व्हाट, ओ माय गॉड, हु डू वी टॉक टू, सो बेसिकली हु इज आवर रिप्रेजेंटेटिव। वो हम करते हैं, वो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेशन आता है कि साहब हमारे यहाँ का रोड खराब हो गया, हमारे यहाँ का पानी का प्रॉब्लम है, तो वी रिप्रेजेंट देयर इश्यूज टू द अथॉरिटीज। महानगर पालिका हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो सकता है, तो वो तो हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके इश्यूज को, लेकिन वो आपके एक सिग्नेचर से हो जाएगा आसान नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी एग्जीक्यूटिव पावर। वो अल्टीमेटली वहाँ का मिनिस्टर या कोई IAS ऑफिसर जो सेक्रेटरी इंचार्ज होगा वही करेगा, उसके ऑर्डर से होगा। हमारे ऑर्डर से मैं BMC के किसी इंजीनियर को ऑर्डर नहीं दे सकता कि ये रोड बनाइए, उसके लिए उसको वहां से ऑर्डर लेना पड़ेगा जो जिनके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है। एट द मोस्ट वी कैन रिप्रेजेंट द केसेस ऑफ the local constituents and their problems. Understand, right. Modi ji ke baare mein thoda, Prime Minister ke baare mein zara do teen sawal the mere dimag mein. Pehle to in your personal view, I know some of it aapne thoda bataya. What do you think his term has generally been in the last two terms? You know, because there are people, jaise abhi sab log, of course, har cheez mein, we are very proud of the work that of course he has done. But also at the same time, बहुत लोग बोलते हैं कि अभी जैसे इलेक्शन के टाइम पे देर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन, बेरोजगारी भी थोड़ी बढ़ गई है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, देर वर लॉट ऑफ प्रोमिसज जो दिए थे कि जॉब्स आएंगे एंड XYZ, तो वो भी काफ़ी उस हिसाब से थोड़ी सी लैकिंग है। तो वॉट डू यू थिंक के वो प्राइमरीली तो मैं नरेंद्र मोदी जी का क्रिटिक रहा हूँ, जिसमें कोई छुपाने की बात नहीं। हमने बड़ा विरोध भी किया उनके बारे में, उनके बारे में उनके सारे पॉलिसी मेकिंग के ऊपर कई बार सवाल भी उठाए हैं, बड़ी तीखी आलोचनाएं मैंने की है। एक समय के बाद समझ में आता है कि क्या मैं जो आलोचना कर रहा हूं क्या उसमें दम है, या मैं इस व्यक्ति को समझ नहीं पा रहा हूं। मैं जब देखता हूं कि 10 साल हो गए एक व्यक्ति को सत्ता में बैठे और अभी तक 0 एंटी इनकम्बेंसी है, कोई एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, उनके विरोध में कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब ही इज एबल टू कनेक्ट विद द पीपल सो इफिशियंटली एंड सो इलेगेंटली कि सब हम लोग इसको इस बारीकी को समझ ही नहीं पा रहे। तो अब उसके बाद अब नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब ये जो कर रहा है कहने का सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो उसको समझा जाए। तो बेरोजगारी वाला जो इश्यू है वो बड़ा इश्यू है, एग्री। इनका जो बेरोजगारी दूर करने का मॉडल है वो मैंने देखा है दूसरा है, ये मुद्रा लोन के जरिए ये कह रहे हैं कि तुम नौकरी मत करो, तुम नौकरी देने का इंतजाम करो। तो लोन डिसबर्समेंट खूब हो रहा है,
बड़े पैमाने पर लोगों को बोल रहे हैं कि तुम आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू करो, तुम्हें पैसा लो अपने बिजनेस में डालो और अपना बिजनेस एक्सपैंड करो। ये भी एक सोच है, ये भी एक अप्रोच है, राइट। ये बात सही है कि जो कोर सेक्टर के बहुत सारे यूनिट्स हैं उनको बेचे जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो डेवलपमेंट हो रहा है देश में, भाई जो रोड्स बन रहे हैं, मेट्रो बन रहा है, जो बुलेट ट्रेन चल रहा है, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इसके लिए इंजीनियर भी चाहिए, लेबर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, तो ये तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ही है। तो एम्प्लॉयमेंट का ठीक है, ये बहुत परमानेंट जॉब नहीं हुआ, लेकिन सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है। अब इसमें कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है ये दिखेगा आपको आगे जाकर के, और इसका मेरे ख्याल से कुछ आंकड़ा है भी जो मुझे मेरे पास अभी एकदम मेरे हाथ में अभी नहीं है। तो एकदम से इसको गिना जाए, अगर इसको टेबुलेट किया जाए तो एक निकल के आएगा कि इतने जॉब क्रिएशन हुए। ये सरकार में बैठे हुए लोगों को करके बताना चाहिए, ये क्यों नहीं बता पा रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एकदम से जीरो जॉब क्रिएशन है, ये आरोप मुझे लगता है कि थोड़ा सा निराधार है। महंगाई के बारे में आपको बता दिया बहुत पहले से ही कि भाई महंगाई एक ऐसी चीज है जो बढ़ेगी बढ़ेगी, कभी घटती नहीं आज तक, न तो वाजपेयी जी के जमाने से जब कांग्रेस की सरकार आई तो महंगाई घटी है, ऐसा तो नहीं कि 2004 और 2014 की महंगाई घट गई थी। एक बार तो ये क्या नाम है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि आई डोंट हैव मैजिक बैंड जो महंगाई को कंट्रोल कर दे, तब लोग बहुत हंसे थे उन पे, बात तो सही कही थी उनने, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिक इतनी अच्छी समझ थी उनकी, पूरी दुनिया में उनकी इकोनॉमिक समझ की वाहवाही होती थी। जब वो नहीं संभाल पाए महंगाई तो कोई कैसे संभाल सकता है, क्योंकि प्राइमरली चीजों के भाव ऊपर जाएंगे, क्योंकि प्राइमरीली इकोनॉमी एक्सपैंड होता है, जब इकोनॉमी एक्सपैंड होता है तो उसमें हर पर्सन का कंट्रीब्यूशन होता है, जब जीडीपी बढ़ता है तो जीडीपी कोई आसमान से नहीं बढ़ता है, एक एक व्यक्ति का उसमें एक कारपेंटर का भी कंट्रीब्यूशन है, पहले वो जितना घर का इंटीरियर करता था, जितना स्क्वायर फीट इंटीरियर करता था, वो निश्चित तौर पर उसका काम एक साल में बढ़ जाता है। अगर 10,000 स्क्वायर फीट का उसने इंटीरियर किया एक महीने में, तो नेक्स्ट ईयर उसी महीने में वो 20,000 या 15,000 कर रहा है, तो उसने जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया ना, तभी तो आपका जीडीपी बढ़ रहा है, उसी में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फिर आपका चूंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर ज्यादा से ज्यादा कमाई आएगी, वेल्थ आएगी, फिर आपकी कंपनी बढ़ेगी। भाई एक साबुन का कंपनी साबुन बना रहा है, आज से 20 साल पहले जो जितना साबुन बेचता था, निश्चित तौर पर 20 साल बाद उससे ज्यादा साबुन बेच रहा है, क्यों? क्योंकि साबुन का कंजम्पशन बढ़ा है। साबुन का कंजम्पशन क्यों बढ़ा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ा है, और जब 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 जो नया पॉपुलेशन साबुन खरीद रहा है क्योंकि उसकी कमाई बढ़ी है। पहले वो 5 लोग मिलकर 2 साबुन यूज करते थे, आज अगर 5 की जगह 9 लोग हो गए हैं तो साबुन भी 2 की जगह 4 यूज हो रहा है ना, जो 4 यूज तो उसी मार्केट से तो आ रहा है जहां प्रोडक्शन हो रहा है, तो जो प्रोडक्शन वाला साबुन बेच रहा है उसकी कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, जब उसकी ग्रोथ हो रही है तो वो आपके जीडीपी में जा रहा है। तो इस तरह से इकोनॉमी एक ऐसी चीज है जो जो विच कीप्स ऑन एक्सपैंडिंग, और सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में है। ये अमेरिकन इकोनॉमी की जो साइज आज से 100 साल पहले थी वो साइज आज तो नहीं है ना, उसमें तो 100 गुना बढ़ोतरी हुआ था। इंडियन इकोनॉमी की जो साइज आज से 15 साल पहले थे, मुझे याद है कि पहली बार बोल रहे थे कि क्या उसको बोलते हैं कि फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, मेरे ख्याल से ये बोले थे डॉक्टर ये प्रणब मुखर्जी बोल रहे थे जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो 2009 या 10 में मोस्ट प्रोबेबली 2010 में व्हेन ही प्रेजेंटेड बजट, तो ही अनाउंस दैट कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम प्रेजेंटिंग अ बजट इन इंडिया इन द पार्लियामेंट व्हिच इज व्हिच आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट इट इज आवर इकोनॉमी इज 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। पहली बार 55 लाख करोड़ की इकोनॉमी हमारे देश में हुई थी, तो ये अपने आप 55 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी, रुपए की इकोनॉमी हमारे देश में पहली बार ऐसी 55 लाख से 80 लाख करोड़ हो गया कि आज डॉलर 80 हो गया, तो उस समय 55 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी क्योंकि 55 रुपये था डॉलर का भाव, तो पहली बार 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2010 में थी। अभी मेरे का 3-4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आगे जाके 5 ट्रिलियन की, तो ये आगे तो इसमें किसी एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, सब लोग मिलकर के अपनी इकोनॉमी की साइज बढ़े, जब इकोनॉमी की साइज बढ़ेगी तो थोड़ा सा महंगाई तो बढ़नी है। हाँ, वो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए, ये जिम्मेदारी सरकार की और वहां जो फाइनेंस मिनिस्टर में बैठे हुए लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, नॉर्थ ब्लॉक में बैठे लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उनको करना पड़ेगा। बाकी जो ओवरऑल आप देख लो भाई, शहरों का विकास तो हो रहा है। आप मुंबई को जरा ध्यान से देखिए, मुंबई में आज से 10 साल पहले हार्बर लाइन था क्या? आज से 10 साल पहले इतने सारे ब्रिज थे क्या?
आज से 10 साल पहले इतने सारे मेट्रो घूम रहे थे क्या? नया अंडरग्राउंड जो अभी अंडरग्राउंड जो वो बना है, अंडरपास बना है यहाँ से बरली से लेकर के, अपने आप में कितनी नई चीज है। आपका कोस्टल रोड बनना है, तो खुद मैं कुछ जो बीजेपी के समर्थक नहीं, वो भी कहते हैं यार डेवलपमेंट तो हो रहा है, तो नया इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, आपका पूरा का पूरा जो एक इंटरनेट सेक्टर का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता चला जा रहा है, फिर आपका पूरा इकोनॉमी फैलता चला जा रहा है, नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, कोर सेक्टर में जॉब कम मिल रहे हैं, एग्री, लेकिन लेकिन जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और आईटी सेक्टर, वो सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइड तो कर ही रहा है, कैसे कह सकते हैं कि वहां जॉब प्रोविजन नहीं है? बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं और सीधे बैंगलोर में जॉब मिल रहा है, पुणे में जॉब मिल रहा है उनको, ऐसे कोई बेरोजगार थोड़ी बेटा मैं तो, मुझे तो कोई आईटी इंजीनियर बेरोजगार नहीं दिखता। नहीं है, मतलब थोड़ी सी डिफरेंट धारा है, सोच भी है, बट यस आई लार्जली डू अंडरस्टैंड जो आप कह रहे हैं, बट आपको लगता है कि फॉर द नेक्स्ट टू टर्म्स आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट के एनडीए को हटाना, बिकॉज जिस पार्टी 2024 तो गॉन केस है फॉर कांग्रेस पार्टी, 2029 भी अगर वो अपने आप में कुछ परिवर्तन करते हैं, बदले हुए जमाने के साथ बदलने को तैयार होते हैं, लीडरशिप के लेवल पर अगर कुछ नया अप्रोच अख्तियार किया जाता है, तब कहीं जाकर के वो स्टेक होल्डर बन सकते हैं। यही ढर्रा रहा तो 2029 आते आते तो और सिकुड़ जाएंगे। अगर यही अगर लोग अगर उनका लीडरशिप का जो इंटरेक्शन है अगर 0% रहा जो आज है, तो बहुत लोग छोड़ के चले जाएंगे। सवाल कांग्रेस मेरी पार्टी है, मेरी माँ है और मेरा बाप है और उसके साथ अब सब गया जमाना हो सकता। लॉयल्टी एक बहुत अच्छा एक ह्यूमन वर्चू है, वफादारी, लेकिन आज के मॉडर्न एज में उस वफादारी का कोई अर्थ है क्या? हम जब बच्चे थे तो हमारे घर में दो ही साबुन आते थे, सनलाइट और लाइफ बॉय, दो ही साबुन थे ना, और हर महीने दो ही साबुन आता था क्योंकि और कोई साबुन ही नहीं था। फिर जब प्राइवेटाइज हुआ इकोनॉमी तो साबुनों की भरमार आ गई, फिर हमाम और मोती के अलावा पता नहीं कौन कौन से साबुन, इंटरनेशनल साबुन आने लगे। तो जब इतने सारे साबुनों की भरमार है, तब किसी एक साबुन के प्रति कोई लॉयल रह सकता है क्या? तो आज जब इतने सारी अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के सामने और लोग उस अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहते हैं, उसको एंजॉय करना चाहते हैं, उसको जीना चाहते हैं, उसके साथ अपने जीवन को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, तब आप कहेंगे नहीं, आपकी माँ है कांग्रेस और माँ के साथ एक लॉयल बने रहिए, तो इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। खासकर आज के जनरेशन से आप बात करिए तो उसके लिए लॉयल्टी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जहां आपको मन लगे, जहां आपको, अब ये बच्चे क्या हैं, बच्चे जो है नौकरी करते हैं, वो तुम्हारे निकालने से पहले नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। कई बार जॉबलेस रहते हैं, उनके माँ बाप है, उनको कोई केयर, उनको कोई चिंता नहीं है, फिर जो जॉब मिल जाती है वो नेट पर अप्लाई करते हैं, उनको दूसरी जॉब मिल जाती है, दूसरी जॉब मिलती है, अपने शर्तों पर काम करते हैं, ज्यादा उसको तंग किया, डांट दिया, फायर किया, खुद ही रिजाइन कर भाग जाते हैं। ये वो जनरेशन का दौर है। उस जनरेशन के दौर में आप बोलेंगे देखो संजय निरुपम ने पार्टी छोड़ दी है, डिसलॉयल पर्सन इज नॉट गुड, बट हु केयर्स इफ ही इज गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटी देयर टू वर्क, इफ ही इज गेटिंग गुड प्लेटफॉर्म टू वर्क, ही शुड गो, ही शुड मूव ऑन मैन, ब्रो इज अ ब्रो का जमाना है, ब्रो इज वेरी गुड, ट्रू ट्रू। एंड वन क्वेश्चन अबाउट बाला साहेब ठाकरे जी, ऑफ कोर्स बिकॉज आप काफी क्लोज हैं उनके साथ, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, थ्री थिंग्स जो आपने उनके साथ में रह के सीखी है, यू नो टिल टुडे, बिकॉज आई मीन ऑफ कोर्स सच एन इंस्ट्रूमेंटल लीडर, सच अ पावर हाउस, क्या थी आपकी वो तीन सीख, अगर आप जो तीन मेन सीख, आप तीन में गिन के तो नहीं बता सकता, लेकिन बाला साहब का जो पूरा कैरेक्टर था ना, वो बड़ा एक बहुत ही एक डिटरमाइंड पर्सन थे और नेशनलिस्ट हार्डकोर, और ऑफ कोर्स एक हिंदू लीडर, और बड़ा कमिटमेंट के पक्के आदमी थे, और झूठ फरेब ये सब उनको समझ में नहीं आता था, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि उनके साथ 4-5 साल तक बहुत करीब से काम करने का मौका मिला, और उस दरमियान बड़ा इंटरेक्शन करने का मौका मिला। कभी कभी ऐसा होता था कि हर दिन
शाम को 7-8 बजे के बाद उनके साथ ही होता था। वो एक हमें कॉलम करते थे जिस कॉलम के लिए मुझे उनके पास बैठना पड़ता और वो भी बड़ा इंजॉय करते थे मेरे साथ बातें करने में। तो उस दरमियान उनके पूरे काम काज को समझने का मौका मिला। मैं बिहार से आया हुआ एक नौजवान, मैं इतना शिवसेना को नहीं जानता था, मुंबई की पॉलिटिक्स, मुंबई का जो सोसाइटी उसको उतना नहीं जानता था, लेकिन उनके साथ बैठने से मैं उनका उनके ग्रोथ के साथ साथ मुंबई में क्या क्या हुआ, कैसे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन हुआ, तो वो सब कुछ समझने की कोशिश की। तो वो एक बड़ा, एक तो कंपैशनेट थे और बड़ा फुल ऑफ कंपैशन। और मुझे याद है एक किस्सा मैं बताया था आपको। अब वो किस्सा, उस किस्से के कई अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो किस्सा मुझे आज भी याद आता है। तो मुझे लगता है कि आदमी को ऐसा होना चाहिए, चाहे जो भी हो, अच्छा बुरा जो भी आप उसमें उसके अर्थ निकालें। एक बार उनके साथ बैठे हुए, तो उनके साथ बैठे थे नरेश गोयल, जे टेरर्स के मालिक, आज भले जेल में है लेकिन तब नरेश गोयल मतलब वो बड़ा बिग पर्सन और बड़ा हाई फ्लाइंग। तो बैठे थे उनके साथ, तब तक से एक उनकी एक कार्यकर्ता आई, मुझे आज भी याद, उस लेडी का नाम है त्रिजा किलेदार, धारावी की कार्यकर्ता, महिला अघाड़ी की कोई प्रमुख है, आई और तो मैसेज आया को मिलना तेरा अर्जेंटली। तो हम लोग उस बैठे थे, तो बुला ले, बुला उसको, हाँ बोला आप कह रहे काय काय पाई देते बोला, तो लगे रोने, वो तो लगे रोने, तो क्यों रो रही है, क्या हो गया तेरे को? तो कुछ तो बोली कि मेरे बेटे को इंजीनियरिंग में एडमिशन कराना, पैसा नहीं है और मैं, मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है। तो तू जो रो रही, तो उसको डांट, रड़ो ना कुछ, रो मत, चुप 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 बोल, धीरे धीरे बोल, चुप पहले रोना बंद कर, हाँ बोल क्या है? तो मेरे को बेटे को नौकरी का, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं तो पार्टी के लिए करती हूँ, ये करती हूँ करती हूँ, ठीक है तुम्हारे बेटे को इंजीनियर बनाना, ठीक है, ए नरेश इसको इंजीनियर बना, इसको पैसे दे, चेक काट। तो बोले बड़ा साहब यहाँ तो नहीं है, कहाँ है, गाड़ी में है, जब रिक्वेस्ट ला, खुद गया मर्सिडीज के पीछे पहले डिक्की में से ब्रीफकेस लाया, खोला, टक से खोला, चेक निकाला, कितना डालो, एक सर्टेन अमाउंट, मुझे याद नहीं आया क्या अमाउंट था, भरा, नाम लिख इसका, कह रहा है तू पूर्ण नाम सांग रही, ये सांगा, साइन किया, अच्छा चल लिख। तो इस तरह से अपने वर्कर्स के साथ कंपैशनेट होना, और वर्कर्स, एक हमारे साथी थे यहाँ पे, अब ये इसमें भी आप उसके गलत अर्थ निकाल सकते हैं और निकालने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैं उसमें एक दूसरी चीज देखता हूँ एज ए लीडर। मैं देखता हूँ कि जो लीडर, वो बड़ा अपने साथ लोगों के साथ खड़े रहते थे। तो एक जुहू के एक थे साथी हमारे, मर गए होंगे मेरे ख्याल से, सरीन साहब, उनको कोई दिक्कत होती थी तो ये बड़ा बोलते थे मुझे जरा बाद साहब से मिलवा दो, मैं लेके जाता था। तो बड़ा शिकायताना अंदाज में बात करते थे, सब कुछ गलत हो रहा है, एवरीबडी इज रॉन्ग, वो कुछ होता है एक सीनियर सिटीजन बनने के बाद कुछ इस तरह के। तो बोले कि साहब, बड़ा साहब आपका वो जो शाखा प्रमुख है ना, वो गलत है। मैंने कैसे गलत है? तो बेईमान है वो। मैंने कहा कैसे कह सकते हो? बोला आज से 3 साल पहले झोपड़पट्टी में रहता था और उसके पास एक स्कूटर था, आपने उसको शाखा प्रमुख बनाया, वो फ्लैट में शिफ्ट हो गया और टाटा सुमो लेके घूमता है। सुन लिए तो बोले कि तो क्या फ्लैट में सिर्फ तुम ही लोग रहोगे? हमारा आदमी नहीं रहेगा, उसको पूरा अधिकार है रहने का। अगर वो जबरदस्ती गलत करके कुछ कमाता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो अपने ढंग से अपनी तरक्की कर रहा है तो मुझे उस तरक्की से जलना नहीं चाहिए। आई हैव नो राइट टू बी एनवी ऑफ हिज ग्रोथ। और ये आप भी गलत कर रहे हैं, आप रहते हैं जू के एक बिल्डिंग में और फ्लैट में, इसका मतलब सिर्फ आप ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा? उसको पूरा अधिकार है झोपड़पट्टी से निकल के फ्लैट में रहने का, उसके ग्रोथ पे आई एम हैप्पी। वो चुप हो गए बेचारे। अब इस किस्से के कई अर्थ आप निकाल सकते हैं, इसमें हो सकता है आपको गलत भी लगे, लेकिन मैं एक लीडर के तौर पे कैसे अपने कम्युनिटी, अपने वर्कर को की केयर लेना, उनके साथ उनको, उनका भला करना, और उनको, उनके अगर उनका कोई अच्छा हो रहा है तो उसमें कोई शक के नजर से नहीं देखना। नथिंग रॉन्ग इफ समबडी इज ग्रोइंग, प्रोग्रेसिव थॉट। तो ये जो प्रोग्रेसिव थॉट था वो उनमें दिखता था अक्सर मुझे, और बहुत कड़क थे, कुछ गलत कहते थे, गलत डांट भी देते थे। तो बहुत सारे गुण है उनके, बहुत सारे किस्से हैं हमारे पास। थैंक यू सो मच निरुपम जी फॉर डूइंग दिस। आई होप कि आपको मज़ा आया और ये कॉन्वर्सेशन के साथ, बिकॉज मुझे तो बहुत मज़ा आया एंड और भी बहुत सारे सवाल है, बट आई नो थोड़ी फिर कभी बैठ जाएंगे। yes. मुझे नहीं मालूम आपको मजा आया कि नहीं आया, ऑडियंस जो आप मेरी बात सुनने वाली है, आपने जो बातें छेड़ी है, अगर उनको मजा आया, उनको अच्छा लगा, उससे कुछ सीख सकें तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात। नहीं नहीं 100%, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि जो बहुत सारे यंगस्टर्स लोग जिस हिसाब से सोचते हैं
उसमें से काफी सारी चीजें आपने एक्चुअली हाईलाइट भी की, बिकॉज मेरे दिमाग में भी काफी सारे मिसकंसेप्शंस या पर्सपेक्टिव डिफरेंट था इन टर्म्स ऑफ कैसे ऑपरेट होता है, क्या चलता है. सो दिस इज, आई एम वेरी वेरी श्योर दैट सबको मजा आएगा. थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे. थैंक यू.